हाय एवरीवन वन आई दाली बन चंदा यर सूरज मुखी वेलकम ऑल ऑफ यू टू द नीट एक्सट चैनल आई होप मेरे फूल जैसे प्यारे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं अच्छे से मजे कर रहे हैं खाना वाना खा रहे हैं और साथ में बहुत सारी पढ़ाई भी कर रहे हैं क्योंकि चल रहा है हमारा एग्जाम सीजन तो इसी के साथ मैं आज आपके पास लेकर आई हूं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वन शॉट जी बेटा मैंने किस चीज की बात की वन शॉट बोले तो हम इसी एक ही लेक्चर के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको वन शॉट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जिसमें कि मैं किंगडम मोनरा प्रोटेस्टा फंगस वायरस वायरॉइड प्रियन लाइकन स्टार्ट टू एंड सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की भी बात करूंगी तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है क्योंकि सोचो कि अगर आपने एक शॉर्ट के अंदर एक वीडियो के अंदर पूरा के पूरा लेक्चर खत्म कर लिया सो हाउ गुड इज दैट राइट हाउ गुड इज दैट और आप क्या करेंगे साथ साथ मेरे साथ नोट्स बनाएंगे साथ साथ मेरे साथ क्या करेंगे आप लोग नोट्स बनाएंगे ताकि आपके पास बाद में पढ़ने के लिए कुछ मटेरियल रहे आपके पास एनसीआरटी ऑलरेडी है रेफरेंस के लिए क्या है एनसीआरटी ऑलरेडी है बहुत जरूरी है एनसीआरटी उसके अलावा तत्वा हमारी बुक है ही जिससे आपको क्या करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो सो दैट यू रियलाइज की आपने जो पढ़ा वो आपके ब्रेन में गया कि नहीं गया ओके okay? I hope everyone I'm making sense. इसी के साथ मैं स्टार्ट करती हूं, biological classification. ये सुनिए कि इसके अंदर हम क्या देखेंगे पहले introduction. Introduction बोले तो अलग अलग क्योंकि मेरे चैप्टर का नाम क्या है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बायोलॉजिकल मतलब मैं सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ और क्लासिफिकेशन मतलब मैं उसको ग्रुप्स और कैटेगरीज में डिफाइड कर रही हूँ डिवाइड कर रही हूँ ग्रुप्स और कैटेगरीज सेपरेट तो रखूंगी प्लांट्स को सेपरेटली रखूंगी, रखूंगी, रखूंगी तो जो मैं बनाती हूं, सारे ऑर्गेनिजम्स के दिस इज प्रोसेस विच आई कॉल एज क्लासिफिकेशन विच आई कॉल एज वॉट एवरी वन विच आई कॉल एज क्लासिफिकेशन तो पहले इंट्रोडक्शन में हम अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम्स देखेंगे पहला हमारा पहला स्प्रिंट दूसरा रहेगा मोनरा तीसरा किंगडम प्रोटेस्टा चौथा किंगडम फंजाए और लास्ट हमारा पैकेट रहेगा वायरस वायरॉइड और प्रियोन का तो हमारे इन पांच सेगमेंट्स के साथ हम कर देंगे बेटा इस चैप्टर को कंप्लीट आई होप टॉपिक क्या है मेरा पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन। क्लासिफिकेशन का मतलब मैम हम सबको समझ आ गया बट मेरे अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम होते कौन से हैं ये हम बिल्कुल प्रॉपरली देख लेते हैं बेटा इतना समझिए कि मेरा पहला साइंटिस्ट क्या बोला मैंने मेरा पहला साइंटिस्ट जिन्हें जिसने एटलीस्ट कुछ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दी मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स को साइंटिफिक बेसिस पर डिवाइड किया मेरे उन साइंटिस्ट का नाम था एरिस्टोटल क्या नाम था बेटा उनका नाम था एरिस्टोटल एरिस्टोटल जी ने प्लांट्स को डिवाइड किया तीन कैटेगरीज के अंदर उनकी हाइट के बेसिस पर कि वो हर्ब हो सकते हैं प्लांट श्रब हो सकते हैं या फिर ट्री हो सकते हैं हर्ब छोटे प्लांट्स श्रब्स उनसे बड़े जैसे कि रोज वगैरह हो गया और ट्रीज जैसे कि ट्रीज़ ये पहली क्लासिफिकेशन प्लांट्स की और उन्होंने एनिमल्स को डिवाइड किया ऑन द बेसिस इफ दे हैव प्रेजेंस ऑफ आरबीसी और ऑफ़ अगर एनिमल्स के अंदर आर प्रेजेंट है या आर प्रेजेंट नहीं है उन्होंने उस बेसिस पर किया एनिमल्स को क्लासिफाई तो ये थी एरिस्टोटल की सबसे पहली क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल की सबसे पहली क्लासिफिकेशन जिसके बाद हमारे अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट हो गए जैसे कि अगर मैं बात करूं इसके बाद आएगा मेरा टू किंगडम क्लासिफिकेशन बेटा क्लासिफिकेशन को मैं सी लिख रही हूँ उसके बाद क्या आएगा मेरा टू सिस्टम क्लासिफिकेशन टू किंगडम क्लासिफिकेशन उसके बाद आएगा मेरा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन उसके बाद आएगा मेरा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन फिर आएगा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन और लास्ट में कौन सा आएगा बेटा सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन देख रहे हो सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स लिखेंगे पहला एरिस्टोटल का लिख लिया पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन प्लांट्स को हर्ब्स शर्ब्स ट्रीज में डिवाइड किया एनिमल्स को आरबीसीज है कि नहीं इसके बाद मैं बात करती हूं मेरे किस सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बेटा टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया रेलस लीनियस ने और मेरे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया दो कैटेगरी में जिसको मैंने बोला प्लांट्स और एनिमल्स जिसको मैंने बोला प्लांट्स और एनिमल्स बेटा इनका मोड या फिर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था सेल वॉल की प्रेजेंस या फिर एबसेंस किस बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे थे कि अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो मैं उसको किस में रखूंगी बेटा समझो जरा अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो मैं उसको रखूंगी प्लांट्स में और अगर सेल वॉल एबसेंट है तो मैं उसको रखूंगी एनिमल्स में बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है मेरे दो किंगडम्स किंगडम प्लांटे किंगडम एनिमिलिया या प्लांट्स और एनिमल्स किस बेसिस पर थी सेल वॉल के बेसिस पर सेल वॉल है तो प्लांट्स में रखो सेल वॉल नहीं है तो एनिमल्स में रखो हो गया टू किंगडम क्लासिफिकेशन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, थ्री दिया था एक ने, जिनका नाम है अर्नेस छेकल क्या नाम है अरनेस छेकल तो मेरे दो किंगडम्स पहले से थे किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमिलिया इन्होंने नया किंगडम दिया जिसे मैं बोलती हूं किंगडम प्रोटेस्टा जिसे मैं क्या बोलती हूं बेटा जिसे मैं बोलती हूं किंगडम प्रोटेस्टा बेटा जो प्रोटेस्टा है दैट इज अ किंगडम ऑफ यूनिसेल्युलर यू किसका किंगडम है यूनिसेलुलर यू कैरियॉर्ट मतलब जो एक सेल के हैं Eukaryotic मतलब जिनमें वेल न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स मिलते हैं इसके बाद मैं आ गई फोर किंगडम क्लासिफिकेशन पर यह दिया मेरे साइंटिस्ट ने जिनका नाम है कोपलैंड जिनका नाम क्या है कोपलैंड है बेटा ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है जरा समझिए देखो प्लांट पहले से है एनिमल पहले से है मैम अब तो प्रोटिस्टा भी पहले से हैं तो कौन सा नया किंगडम इंट्रोड्यूस हुआ किंगडम मोनेरा कौन सा नया किंगडम इंट्रोड्यूस हुआ बेटा किंगडम मोनेरा विच इज किंगडम ऑफ वॉट यूनिसेल्यूलर प्रोकेरे एक सेल के हैं लेकिन कौन से हैं प्रो जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है बेटा इसका मतलब ये किंगडम मेरे बैक्टीरिया को बिलोंग करता है किसको करता है ये kingdom मेरे को बिलोंग करता है ठीक है अब मैं आ गई five kingdom classification पर ये दिया एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है आर एच विटेकर क्या नाम है बेटा उनका आर एच विटेकर अब यहां पर मेरे फाइव किंगडम्स क्या है थ्री फोर फाइव ये मेरा मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है मतलब आज मैं कौन से क्लासिफिकेशन को फॉलो करती हूँ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को फॉलो करती हूं, हूं बेटा पहला किंगडम किंगडम मोनेरा दूसरा किंगडम प्रोटेस्टा तीसरा नया किंगडम जो इंट्रोड्यूस हुआ वो था किंगडम फंजाए और जो शुरू से चले आ रहे हैं किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया तो मैंने क्या देखा एरिस्टोटल ने सबसे पहले जनरल क्लासिफिकेशन टू किंगडम कैरोलेस लीनियस प्लांट एनिमल्स थ्री किंगडम हेकल प्रोटेस्टा एड हुआ फोर किंगडम कॉपलैंड मोनरा एड हुआ फाइव किंगडम विटिकर जो हम यूज करते हैं फंजाई एड हुआ सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है कार्ल वूस सी ए आर एल डब्ल्यू ओ एस ई बेटा इन्होंने जो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया इसको मैं अलग से मेंशन कर रही हूँ ध्यान देना कि ये जो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन था इसके अंदर क्या हुआ कि जो मेरा मोनेरा किंगडम है उसको मैंने आर्किया और यू बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया मोनेरा किंगडम को मोनेरा किंगडम को आर्किया और यू बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया बाकी किंगडम्स क्या थे बेटा जो एज इट इज रहेंगे देखो जरा इसके अलावा था मैम मेरे पास मोनेरा के बाद किंगडम प्रोटेस्टा किंगडम फंजाए, किंगडम प्लांट और किंगडम मैने लिया तो आप देख पा रहे हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है इसीलिए इसको बोला सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है इसीलिए इसको हमने क्या बोला बेटा सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन बोला वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आई होप इट इज क्लैरिफाइड इट इज क्लियर दैट हमने मोनेरा को आर्की और यू बैक्टीरिया में डिवाइड किया इसके अलावा आर्किया को एक डोमेन मान लो अगर यू बैक्टीरिया को अगर एक डोमेन मान लो और बेटा अगर मैं इन सब को एक डोमेन के अंदर ऐड कर दूं जिसे मैं यू कैरिया बोलती हूं कि ये सब के सब यू कैरेट्स हैं तो डोमेन नंबर वन डोमेन नंबर टू डोमेन नंबर थ्री जिसमें कि ये सब आते हैं तो इसी सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम हो जाएगा थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन इसका मतलब आपसे कोई सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन पूछे या थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम पूछे वो एक ही है आपने करना क्या है मोनेरा को आर्किया और यू बैक्टीरिया में डिवाइड करना है फंगस प्लांट ऐसे काउंटिंग हो गई छे की अब इसी को तीन डोमेन में कैसे काउंट करना है एक डोमेन आर्किया एक यू बैक्टीरिया और एक यू कैरिया डोमेन है जिसके अंदर प्रोटेस्टा फंगस प्लांट एनिमल मेरे चार किंगडम्स आ जाते हैं तो इसके साथ ऑन दिस पेज यू हैव ऑल टू स्टडी जिसके साथ मैं जा रही हूँ आगे डिफरेंट बेटा हमने सारे देख लिए तो आपने Aristotle का classification देख लिया revise कर देते हैं इसके बाद आपने क्या देखा टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो किसने दिया था कैरेस लीनियस ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था हेकल ने फोर किंगडम किसने दिया था कोपलैंड ने फाइव किंगडम किसने दिया था आर एच विटिकर ने सिक्स किंगडम या फिर थ्री डोमेन किसने दिया था कार्ल वूस ने ठीक है मैम ये तो हमें समझ आया एरिस्टोटल ने प्लांट्स और एनिमल्स को डिफाइन किया था अलग से दो किंगडम में मेरे क्या किंगडम्स थे प्लांट और एनिमल्स थर्ड किंगडम में क्या ऐड हुआ था किंगडम प्रोटेस्टा फोर किंगडम में क्या ऐड हुआ था किंगडम मोनरा फाइव किंगडम में क्या ऐड हुआ था किंगडम फंजाए सिक्स किंगडम में मैंने स्पेसिफिकली क्या किया मोनेरा किंगडम को डिवाइड कर दिया आर्किया और यू बैक्टीरिया के अंदर बस यही था मेरा क्लासिफिकेशन सिस्टम का क्रक्स बेटा जो हमने किया अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इज द क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट वी फॉलो टुडे बेटा इतना समझना कि जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो मेरा पहला किंगडम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर क्या आएगा किंगडम मोनेरा जो कि मैंने आपको बता दिया बैक्टीरिया का किंगडम है दूसरा आएगा किंगडम प्रोटेस्टा तीसरा आएगा किंगडम फंजाए चौथा किंगडम प्लांटी और पांचवा किंगडम एनिमिलिया पांचवा किंगडम एनिमिलिया तो इतना समझना कि मोनेरा के अंदर मेरे सारे के सारे बैक्टीरिया यानी कि एक लौता किंगडम है जिसमें मेरे प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट हैं प्रोटेस्टा ऐसा किंगडम मिलेगा जिसके अंदर मैं यूनिसेल्यूलर यू को आइडेंटिफाई करूं फंगस ऐसा किंगडम है जिनको मैं सेप्रोट्रॉफिक बोलती हूं सेप्रोट्रॉफिक मतलब ये फीड करते हैं ऑन डेड एंड डीकेइंग मैटर फंगस किस पर फीड करते हैं डेड और डीकेइंग मैटर जैसे कि आपके टिफिन बॉक्स का खाना अगर आप एक दिन टिफिन बॉक्स नहीं निकालो तो उसपे क्या लग जाती है फंगस फंगस को चाहिए क्या वार्म और ह्यूमिड कंडीशन आपके टिफिन में जो खाना था वहां पर थोड़ा गरम-गरम भी था खाने की वजह से और खाने के अंदर मॉइस्चर तो होता ही है कर गई फंगस ग्रो तो फंगस किस पर ग्रो करती है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करती है डेड और डीकेइंग मैटर पर ग्रो करती है तो इस चैप्टर में हम किंगडम मोनेरा देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम फंजाए बेटा प्लांट और एनिमल किंगडम हम इस चैप्टर में कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि आपके पास बॉटनी में प्लांट किंगडम का अलग से पूरा के पूरा चैप्टर है जोलॉजी में एनिमल किंगडम का अलग से पूरा के पूरा चैप्टर है इसलिए इसके अलावा आपको ये समझना है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि मैंने बोला वायरस वायरॉयड प्रियोन लाइकन इनकी हम चैप्टर के एंड में बात करेंगे बट दे है किंगडम क्लासिफिकेशन देव नो प्लेस इन दाइव किंगडम क्लासीफिकेशन बेटा वायरस इज ना तो लिविंग है ना डेड है अब जो चीज ना लिविंग ना डेड उसको मैं कैसे किसी क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर रख दू इसके अलावा अगर मैं लाइकंस की बात करूं लाइकंस एलगे और फंगस से मिलकर बने अगर ये दो किंगडम्स के मेंबर से बने सो हाउ कैन आई प्लेस इट इन एनी किंगडम बताओ जरा हाउ कैन आई प्लेस इट इन एनी किंगडम इसीलिए वायरस वायरोइड प्रियोन, लाइकेन इनके लिए हमारे पास फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं है अब ये देखो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में हम कैसे-कैसे देखते हैं कि ये किस चीज पर बेस्ड है बहुत ध्यान से देखना अगर आप ये कैरेक्टर्स देखो तो ये कैरेक्टर्स मुझे मेरे फाइव किंगडम के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस किस बेसिस पर आर एच बिटिकर ने पांच किंगडम बनाए क्योंकि हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को ही आज फॉलो कर रहे हैं राइट right? तो ये देखो पहला मैंने बोला कि सेल का टाइप कि सेल पुराने टाइप का प्रो है कि के यू है तो मुझे ऑलरेडी पता है कि बैक्टीरियल किंगडम में प्रोकैरियोटिक है और बाकी सब किंगडम्स के अंदर मेरा सेल क्या है यूकैरियोटिक है बिकॉज़ ओनली प्रोकैरियोट्स आर द बैक्टीरियाज हमारे पांच किंगडम क्लासिफिकेशन में दूसरा बेसिस देखो इंपॉर्टेंट बेटा सेल वॉल सेल वॉल है या नहीं और है तो किस चीज की बनी है बेटा बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल बनी है एक कंपोनेंट की जिसको मैं बोलती हूं पेप्टिडोग्लाइकन तो आप समझ पा रहे हो कि पेप्टीडो तो मेरा प्रोटीन पार्ट है और ग्लाइकन मेरा शुगर पार्ट है तो सेल वॉल तो है सेल्यूलॉज की नहीं है इट इज नॉन सेल्यूलॉजिक और वो पेप्टिडो ग्लाइकन की बनी है बोले तो जिसका पार्ट प्रोटीन और शुगर है एक और चीज सुनो प्रोटेस्टा ऐसा किंगडम है बेटा जो कि प्लांट से भी रिजेंबल करता है कुछ मेंबर्स प्लांट से रिजेंबल करेंगे कुछ एनिमल्स से कुछ फंजाए से इसीलिए बोलते हैं कि प्रोटेस्टा किंगडम की जो बाउंड्रीज है वो डिफाइंड नहीं है क्यों क्योंकि प्रोटेस्टा के कुछ मेंबर्स प्लांट से रिजेंबल कुछ एनिमल से कुछ फंगस से अब प्लांट्स में सेल वॉल होती है एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती तो इसीलिए तो लिखा है इट इज प्रेजेंट इन सम जो मेंबर्स प्लांट जैसे होंगे उनके अंदर होगी सेल वॉल बाकी में नहीं है रटना ही नहीं पड़ा हो गया क्लैरिफाई फंगस में सेल वॉल किस चीज की है काइटिन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्लांट में सेलुलोज की सेल वॉल एनिमल्स में सेल वॉल है ही नहीं ये तो इजी है मैम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये पॉइंट तो मेरे सेल टाइप से रिलेटेड है क्योंकि अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी वरना होगी प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं यूकैरियोटिक यस 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 हो गया जी खत्म अब देखो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोले तो बॉडी सेल से बनी टिश्यू से बनी ऑर्गन से बनी organ से बनी कि से अब सोचो जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखा सकता है क्या नहीं दिखा सकता तो देखो मोनेरा यूनिसेल्यूलर है तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहे हैं प्रोटिस्टा क्या है यूनिसेल्यूलर यू सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही दिखा रहे हैं क्योंकि है ही एक सेल भाई फंगस मल्टी सेल्यूलर या फिर एक लूज टिश्यू बना लेगा थोड़ा थोड़ा एडवांस धीरे धीरे लूज टिश्यू बना लेगा प्लांट की बात करूं प्लांट में तो टिश्यू होते हैं जायलम फ्लोयम पैरनकाइमा कॉलनकाइमा स्कलरनकाइमा इतने टिश्यू सिस्टम्स प्रेजेंट है उल्टा ऑर्गन भी होते हैं बेटा प्लांट्स के अंदर एनिमल्स के अंदर टिश्यूज ऑर्गन और क्या मिलता है ऑर्गन सिस्टम अब ये ऑर्गन सिस्टम वर्ड से आप प्लांट और एनिमल को कर सकते हो डिस्टिंग्विश प्लांट्स इतने एडवांस्ड नहीं है कि ऑर्गन सिस्टम बनाए बट हम ह्यूमंस के अंदर अगर मैं सपोज करो एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूं उसमें ही मेरा किडनी यूरेटर यूरेनरी ब्लैडर यूरेथ्रा ये सब आ जाएगा तो जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक फंक्शन करते हैं तो वो एक सिस्टम बनाते हैं

सबसे विचित्र होता है मेरा मोनेरा किंगडम क्योंकि मोनेरा किंगडम के अंदर सारे के सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है किसी ना किसी बैक्टीरिया में तो कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं बोले तो अपना खाना खुद बना लेते हैं अब अगर अपना खाना खुद केमिकल्स की हेल्प से बनाया तो कीमोसिंथेटिक अपना खाना खुद लाइट की हेल्प से बनाया तो फोटोसिंथेटिक हो सकता है अपना खाना ना बना सकते हो हेटरोट्रॉफिक खाना नहीं बना सकते तो कैसे जिंदा रहते हैं डेड ऑडी मैटर पर फीड करते हैं तो सैप्रोफिटिक अगर किसी होस्ट की हेल्प लेते हैं तो पैरासिटिक तो बेसिकली मोड ऑफ न्यूट्रिशन में किंगडम मोनेरा सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी दिखाता है डिफरेंट बैक्टीरिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन किंगडम प्रोटिस्टा बताओ मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये प्लांट एनिमल दोनों के साथ रिजेंबल करता है तो बेटा इसीलिए मैंने बोला कि किंगडम प्रोटिस्टा प्रोटेस्टोट्रॉफिक भी हो सकते हैं प्लांट की तरह हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं एनिमल की तरह किंगडम फंगस ऑलरेडी पता है भाई हेट्रोट्रॉफिक है डेड और डीके मैटर पर फीड करती है जिसे मैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलती हूँ कुछ फंगस पैरासिटिक भी होती हैं कुछ फंगस पैरासिट भी होती हैं प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं मैम हमें पता है हम एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं और देर इज अ वर्ड हियर विच इज होलोजोइक बेटा होलोजोइक का मतलब होता है इंजेक्शन ऑफ कंप्लीट फूड कि सारा के सारा खाना ऐसे सॉलिड फॉर्म में हैंड्स के थ्रू खाना दैट इज वॉट होलो होलोमीन्स कंप्लीट इनटेक ऑफ कंप्लीट प्रोसेस्ड फूड जैसे हम करते हैं एक तरीके से दैट इज होलो एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सो हमने इस टेबल में थोड़ा टाइम लिया बट यू शुड अंडरस्टैंड कि इसके अंदर कितने सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि आप ये समझिए कि ने किस किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन की दिस इज वेयर दिस टेबल अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस हमारा टॉपिक खत्म हो गया है बेटा आपको कोई डाउट है तो जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में अदरवाइज मेरे साथ टेलीग्राम पर कनेक्ट करके जल्दी से डाउट शेयर कर लो क्योंकि हमने कर दिया है पहला टॉपिक खत्म एकदम खलास अब हम चल रहे हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर विच इज वॉट किंगडम मोनेरा

बैक्टीरिया का बैक्टीरिया बोले तो ये सेल क्या होते हैं प्रोकैरियोट्स होते हैं प्रोकैरियोट्स मतलब प्रोकैरियोट्स का क्या मतलब है प्रोकैरियोट्स का मतलब है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एबसेंट है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एबसेंट है और क्या एबसेंट है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट हैं बेटा अगर और प्रोकैरियोटिक सेल बहुत डिटेल में करना है तो हमारे सेल के वन शॉट में चले जाओ प्रॉपर बैक्टीरियल सेल ड्रॉ करके हमने सेल का वन शॉट किया है कोई दिक्कत ही नहीं है तो मुझे समझ आ गया कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं बैक्टीरिया का किंगडम है अब ये समझो कि इसके अंदर जो अलग-अलग बैक्टीरिया होते हैं बेटा वो अलग अलग शेप में एग्जिस्ट कर सकते हैं किसमें अलग अलग शेप में मैं बोलू तो अगर राउंड शेप में है राउंड तो उनके लिए मैं वर्ड यूज करूंगी कोकस अगर वो रॉड शेप में है उनके लिए मैं वर्ड यूज करूंगी बैसिलस याद करो लैक्टोबैसिलस रॉड शेप का बैक्टीरिया है दही जमाने वाला बैक्टीरिया उसके अलावा अगर वो स्पाइरल शेप के हैं तो मैं वर्ड यूज करूंगी स्पाइरलम कुछ स्पाइरल शेप बेटा, और आखिरी अगर वो कॉमा शेप है तो मैं वर्ड यूज करूंगी विब्रियो क्या यूज करूंगी विब्रियो जैसे कि विब्रियो कॉलेरी कॉलरा कॉज करने वाला बैक्टीरिया तो मेरे बैक्टीरिया किसमें मिल सकते हैं बेटा मेरे को अलग अलग शेप में मिल सकते हैं किसमें मिल सकते हैं मेरे को अलग अलग शेप में अब मेरे को समझना रहेगा कि मैं अपने बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकती हूँ बेटा मोनेरा किंगडम को क्या किया था आर्किया या फिर मैं इनको क्या बोल दू आरकी बैक्टीरिया कैटेगरी नंबर वन दूसरी कैटेगरी क्या रहेगी मेरी टीरिया ई यू यू बैक्टीरिया ई यू यू का मतलब क्या होता है ट्रू बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया ये ट्रू बैक्टीरिया है आरकी बैक्टीरिया कैसे बैक्टीरिया है बेटा आरकी मतलब प्रिमिटिव बैक्टीरिया आर्किया मतलब आर्की मतलब प्रिमिटिव बैक्टीरिया आपने सुना है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वेस के दौरान ये पाया गया तो आर्किया मतलब पुराने बैक्टीरिया अब आपने देखा है कि हमारे आसपास जो पुराने लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है हमें कुछ ना कुछ होता जा रहा है छोटी सी पैर दर्द सिर दर्द ये दर्द वो दर्द अब हमारे पुराने लोग दे आर वेरी स्टर्डी दे आर वेरी रेजिस्टेंट टू एवरीथिंग ऐसे ही ऐसे ही हमें याद करना है कि जो मेरे आर्की बैक्टीरिया हैं दे आर मच रेजिस्टेंट टू एक्सट्रीम कंडीशंस मतलब कि बाहर एक्सट्रीम कंडीशंस हो गई तो ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस शो करते हैं आरकी बैक्टीरिया कैसे वो हम डिस्कस करेंगे बेटा आर की बैक्टीरिया इतनी रेजिस्टेंस शो करते हैं क्योंकि उनके पास एक स्पेशल या फिर डिफरेंट सेलवॉल कॉम्पोजिशन है बाकी से कुछ अलग सेलवॉल कॉम्पोजिशन है तो इसका मतलब मैम अगर आप हमें यहाँ पर सेलवॉल का पॉइंट बता दीजिए ये लो बेटा मैंने तुम्हें बताया कि अगर मैं बैक्टीरिया की सेलवॉल की बात कर रही हूं तो वो बनी होती है पेप्टीडो ग्लाइकन की किस चीज की बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन ग्लाइकन जहां पर पेप्टिडो कौन सा पार्ट है प्रोटीन पार्ट ग्लाइकन कौन सा पार्ट है शुगर पार्ट तो प्रोटीन और शुगर की बनी होती है अगर आप पूछो कि मैम कौन सी शुगर ये भी बता दो तो एक शुगर का नाम एन ए जी दूसरी शुगर का नाम एनएम इसकी फुल फॉर्म आपको नहीं करनी है एन एनएसिटाइल ग्लूकोसमीन म्यूरेमिक एसिड इतना करने की जरूरत नहीं है बट सेल वॉल किसकी बनी बैक्टीरिया की पैप्टीडोग्लाइकन की बनी किस चीज की बनी बेटा पैप्टीडोग्लाइकन की इसमें आप न्यूक्लियस की जगह एक और स्ट्रक्चर देखोगे जिसे हम क्या बोल देते हैं न्यूक्लियोइड बोल देते हैं क्योंकि न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं है इसके अलावा देखो मैंने ये वाला पॉइंट लिखवाया आपको ये वाला पॉइंट लिखवाया ये वाला पॉइंट लिखवाया अब समझो कि एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा जिसका नाम क्या है बेटा माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा इज नोन एज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल क्या बुलाते हैं बेटा इसको स्मॉलेस्ट लिविंग सेल तो मेरा माइको है क्या एक्चुअली ये एक बैक्टीरिया है विदाउट सेल वॉल ऑब्वियसली बैक्टीरिया के साइज से छोटा तो हो ही जाएगा बैक्टीरिया के ऊपर से सेल वॉल हट गई तो क्या बन गया मेरा माइको प्लाज्मा माइको प्लाज्मा एक ऐसा स्पेशल बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं है बेटा इट इज पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स पैथोजेनिक है डिजीज कॉज करेगा प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर इसको हम पीपीएलओ करके भी बुलाते हैं पीपीएलओ बोले तो प्ल्यूरो निमोनिया प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बेटा सेल वॉल नहीं है तो ये बहुत जल्दी जल्दी शेप चेंज कर सकता है इसीलिए मैं इसे बोलती हूं प्लियोर्फिक प्लियो मतलब वो जो जल्दी जल्दी से अपनी शेप चेंज कर सकता है उसको मैं क्या बोलती हूं उसको मैं बोलती हूं प्लीओमोर्फिक इतना समझे बेटा प्लियोम बोलती हूं मैं इसको इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर लिख देती हूं कैन सर्वाइव कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन माइक्रोप्लाजमा मेरा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है बैक्टीरिया बट बिना सेल वॉल के पैथोजेनिक है प्लांट्स और एनिमल्स में निमोनिया कॉज करता था देखो देखो बेटा बिट, तभी प्लियो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक है शेप चेंज करता है इसलिए प्लियोमोर्फिक ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकता है बच्चा बाटी जितना भी इस पेज पर आपको कंटेंट दिख रहा है इज इट मेकिंग सेंस सब कुछ समझ आ रहा है आपको क्योंकि अब मैं कहा चलूंगी अब मैं चलूंगी देखो थोड़ा सा आगे आर बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं लेकिन एक लास्ट पॉइंटर के साथ हम अपना जनरल अकाउंट खत्म कर देते हैं विच इज वॉट एवरी वन विच इज रिप्रोडक्शन विच इज वॉट रिप्रोडक्शन अब बेटा मेरा रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में अगर मैं ए सेक्जुअल तो वो कैसे होता है बाइनरी फिजन से होता है बाइनरी फिजन बोले तो मेरा एक बैक्टीरिया है उसने डिवाइड करके मेरे दो बैक्टीरिया बना दिए बाइनरी फिजन ए सेक्जुअल रिप्रोडक्शन दूसरा रिप्रोडक्शन होता है कॉन्जुगेशन से दूसरा रिप्रोडक्शन किससे होता है कॉन्जुगेशन से अब कॉन्जुगेशन मैंने आपको सेल में पढ़ाया है जब एक सेल से दूसरे सेल के अंदर एक सेल से ये इस सेल का डीएनए था इस सेल ने अपने डीएनए की कॉपी बना दी ये वाला सेल मेरा अलग था देखो ये वाला सेल मेरा अलग था और मेरे सेल नंबर ए ने इस डीएनए को दूसरे के दूसरे बैक्टीरिया में भेज दिया विच इज बैक्टीरिया बी तो एक टाइप से डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है बेटा एक टाइप से डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है इस डीएनए के ट्रांसफर को फ्रॉम बैक्टीरियम ए टू बी हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन तो भले ही ये एक प्रिमिटिव मोड हो एक पुराने तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप इसको बोल सकते हो तो हमने बैक्टीरिया की शेप देखी सेल वॉल की कंपोजिशन देखी उसका न्यूक्लियस कैसा है वो देखा एक डिफरेंट कैटेगरी माइकोप्लाज्मा पढ़ा और बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन की बात की इसके बाद मैं आ गई कि कैसे मैम आपने अपने किंगडम मोनेरा को दो किंग, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया विच वॉज वॉट एवरी वन बैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरिया और दूसरा बैक्टीरिया क्या आया बेटा हमारा यू बैक्टीरिया आया क्या आया यू बैक्टीरिया मुझे पता है दे कैन रेजिस्ट एक्सट्रीम कंडीशन मैम ये तो हमें पता लग ही गया है कि ये एक्सट्रीम कंडीशन को झेल सकते हैं लेकिन बेटा ये समझो कि ये एक्सट्रीम कंडीशन को झेल रहे हैं तो इसमें क्या तीन कैटेगरीज आएंगी ये समझ लो पहली कैटेगरी का नाम हैलो फाइल क्या नाम है बेटा हैलो देखो अब हेलो मतलब सॉल्ट फाइल मतलब लविंग मतलब कि दे कैन टॉलरेट एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन क्या टॉलरेट कर लेंगे ये एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन टॉलरेट कर लेंगे हेलो फाइल्स पहली कैटेगरी दूसरी कैटेगरी हर्मो एसिडोफाइल हर्मो बोले तो मैं हाई टेम्परेचर की बात कर रही हूं एसिडो मैं एसिडिटी की बात कर रही हूं ठीक है फाइल का मतलब होता है लविंग ऑलरेडी तो दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर एंड एसिडिटी क्या टॉलरेट कर लेंगे ये हाई टेम्परेचर और एसिडिटी बेटा जैसे कि ये वो हैं जो मुझे हॉट थर्मल स्प्रिंग्स में भी मिल सकते हैं कहा मिल सकते हैं हॉट थर्मल स्प्रिंग्स के अंदर ठीक है मैम तीसरी कैटेगरी बता दो बेटा मेरी तीसरी कैटेगरी है यहां पर मीथानोजेंस तीसरी कैटेगरी क्या है बेटा मेरी मिथानोजेंस बेटा ये समझो कि जब मैं मिथानोजेंस की बात कर रही हूं तो ये वो बैक्टीरिया हैं दैट लिव इन गट ऑफ र्यूमिनेंट्स र्यूमिनेंट मतलब मैं कैटल मतलब बफलो की बात कर रही हूं बेटा मिथेनोजें वो बैक्टीरिया हैं जो कि गट में रहते हैं र्यूमिनेंट एनिमल्स के र्यूमिनेंट एनिमल्स मतलब वो एनिमल्स जो जुगाली करते हैं जुगाली समझते हो जुगाली मतलब जब आप देखो गाँव गाय भैंस को खाना खाते हुए देखोगे तो वो एकदम से गल्प में खाना अंदर ले जाते हैं गटक लेते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा खाना लाके मुंह चलाते रहते हैं अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे स्नैकी हो रहे हो कि मम्मी कुछ खाने के लिए दे दो मंचिंग करनी है तो या फिर आप चुविंगम च्यू कर रहे हो वो छोड़ो चुविंगम च्यू कर रहे हो तो कोई टोक देता है कि क्या जुगाली कर रहे हो दैट इज रिलेटेड टू दीज एनिमल जो जुगाली करते हैं तो इनके गट के अंदर ये बैक्टीरिया होते हैं जिसे बोलते हैं मिथानोजन ये क्या करते हैं मिथानोजें बेटा मिथानोजेंस का काम होता है मीथेन प्रोड्यूस करना मीथेन और बाकी सारी गैसेस थोड़ी बहुत और मिला के एक गैस बनाती है जिसे हम बोलते हैं बायोगैस और बायोगैस एक तरीके का फ्यूल है। मतलब आप को में करने के लिए अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हैं तो इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस जैसे सुलभ कॉम्प्लेक्सेस बने हैं तो ये लोग क्या करते हैं कि ये जो इन एनिमल्स का है या फिर बायोगैस प्लांट देखे हैं जो कि क्या करते हैं इन एनिमल्स का गोबर वगैरह गोबर बोले तो इन एनिमल्स का एक्सक्रीटा इकट्ठा करते हैं एक्सक्रीटा के अंदर ये बैक्टीरिया मिलेंगे उसको प्रोसेस करेंगे तो क्या बनाएंगे बायोगैस बनाएंगे उसे पाइपलाइंस के थ्रू कल, कलेक्ट करते हैं और रूरल एरियाज में स्प्रेड कर देते हैं इसीलिए बेटा बायोगैस को हम गोबर गैस भी बुलाते हैं इसीलिए बायोगैस को आप लोकल लैंग्वेज में क्या बुलाते हो गोबर गैस भी बुलाते हो तो अगर मैंने आर की बैक्टीरिया की बात की तो ये मेरे पुराने बैक्टीरिया हैं एक्सट्रीम कंडीशन झेल सकते हैं पहले हेलोफाइल सॉल्ट लविंग थर्मो एसिडोफाइल हाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा एसिडिटी झेल सकते हैं एसिडिटी ज्यादा मतलब पीएच कम याद रखना मिथानोजन जो कि ह्यूमन एनिमल्स के गट में पाए जाते हैं सी एच फोर प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं विच इज इन टर्न यूज टू मेक गोबर गैस और बायोगैस ठीक है इतना क्लियर है इसके बाद मैं किस पर आ जाऊंगी अपने यू बैक्टीरिया पर आर की बैक्टीरिया हमने यहीं पर ही निपटा दिया है बेटा यहीं पर ही हमने आर की बैक्टीरिया निपटा दिया है अब ये समझो कि यू बैक्टीरिया हम आगे वाले पेज पर करेंगे तो सही बट मैं आपको उसकी क्लासिफिकेशन बता देती हूँ कि हमारे पास तीन क्या टाइप्स हैं बेटा पहला यू बैक्टीरिया है मेरा साइनो बैक्टीरिया क्या है साइनो बैक्टीरिया दूसरे को मैं बोलूंगी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या बोलूंगी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया तीसरे को क्या बोलेंगे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ठीक है यू बैक्टीरिया के अंदर एक साइनो बैक्टीरिया बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आगे जाके इन तीन बैक्टीरिया को देखेंगे तो हमारा हो जाएगा किंगडम मोनेरा कंप्लीट आई होप एवरी वन इतना सबको समझ आया आरकी बैक्टीरिया वाली कैटेगरी बेटा हमने ऑलरेडी वहीं पर ही पूरी कर दी है तो इसलिए मैं आगे चल रही हूं हम आ गए यू बैक्टीरिया के ऊपर आपको पता लग गया है कि यू बैक्टीरिया की कैटेगरी में वन टू थ्री थ्री थिंग्स विल कम आई एम रिपीटिंग पहली चीज क्या होगी बोलो मेरे साथ साइनो बैक्टीरिया दूसरी चीज कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया और तीसरी हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया इन बेसिक वर्ड्स के मतलब आपको पता होंगे बेटा लेकिन हम एक-एक करके इनको खत्म करते हैं पहला है साइनोबैक्टीरिया ठीक है किंगडम मोनरा करके रुकेंगे अब हम इतनी जल्दी नहीं रुकने वाले हैं है ना अब हम शुरू हुए तो हम इतनी जल्दी नहीं रुकने वाले हैं साइनोबैक्टीरिया आर द बैक्टीरिया व्हिच कैन डू फोटोसिंथेसिस दे आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या हैं ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बेटा अगर आप C Y A N सियान वर्ड को सर्च करोगे ना तो ये एक बहुत सुंदर सा ब्लू कलर होता है जिसे बहुत प्यारा सा ब्लू कलर टर्कोइस ब्लू कलर टाइप्स होता है वैसा होता है ब्लू कलर तो ये जो ब्लू कलर है जो इन्होंने सयान वर्ड यूज किया ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पिगमेंट के कलर को जैसे क्लोरोफिल वगैरह राइट तो ये सयान ब्लू पिगमेंट मुझे क्या बता रहा है कि ये बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं इसीलिए इन बैक्टीरिया का दूसरा नाम है ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गे इनको क्या बोलते हैं बेटा हम ब्लू ग्रीन एल्गे लेकिन एल्गे तो प्लांट्स होते हैं बेटा लेकिन ये प्लांट्स की तरह ही फोटोसिंथेसिस करते हैं इसीलिए इनको थोड़ा सा ऑनर देने के लिए हम क्या बोल देते हैं कि इनको ब्लू ग्रीन एलगे बोल देते हैं तो मैं साइनो बैक्टीरिया या फिर बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी बोलू मैं बात बैक्टीरिया की ही कर रही हूं ठीक है इनके अंदर पिगमेंट होना चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए तो मैंने क्या लिख दिया दे कंटेन क्लोरोफिल जस्ट लाइक प्लांट्स प्लांट्स की तरह इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है ठीक है इसके अलावा बेटा दे कैन बी यूनिसेल्यूलर फिलामेंटस कोलोनियल मरीन भी हो सकता है टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है एक सेल का हो सकता है पूरा फिलामेंट बना ले कॉलोनी में रहे मरीन वाटर में रहे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहे मेरे साइनोबैक्टीरिया ये सब क्वालिटीज शो करते हैं ठीक है इसके अलावा समझिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसीलिए मैंने इसको वाइट से लिखा बेटा ठीक है ध्यान रखना अगला पॉइंट फ्लरिश वेल इन वॉटर बॉडीज बेटा बेसिकली जो पॉल्यूटेड वॉटर बॉडीज होती हैं, तो वहां पर ये बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में ग्रो कर जाते हैं और हम इन्हें बोलते हैं वहां पर एल्गल ब्लूम क्या बुलाते हैं एल्गल ब्लूम बेटा अगर ये इतने सारे ग्रो कर जाएंगे तो वाटर बॉडी के बाकी एनिमल्स की ऑक्सीजन भी ये ले सकते हैं है ना उनको भी अफेक्ट कर सकते हैं उनका न्यूट्रिशन कम कर सकते हैं तो ये कई बार पॉल्यूटेड वॉटर बॉडीज में काफी फैल जाते हैं जिसे हम बुलाते हैं एल्गल ब्लूम और अगर मैं आपके लिए ड्रॉ करूं एक साइनोबैक्टीरिया तो देखो मैं कैसे करूंगी एनसीआरटी का डायग्राम है बेटा ऐसे मैंने सेल्स देखे ऐसे सेल्स देखे जो मैं बना रही हूं ये पानी में रहता है इसलिए इसके बाहर मैं एक जेली लाइक लेयर बना रही हूं ताकि इसे वाटर से प्रोटेक्ट किया जा सके देखिए ये जो मैंने जेली लाइक लेयर बनाई इस जेली लाइक लेयर का नाम है म्यूसिलेजिनस शीत क्या नाम है इसका म्यूसिलेजिनस शीत ठीक है और इसके अंदर कुछ कुछ सेल्स ऐसे रहेंगे स्पेशल जो कि थोड़े ग्लॉसी से और बड़े से सेल्स हैं बेटा ये जो ग्लॉसी से थोड़े से बड़े से सेल्स रहें, रहेंगे जो कि एक्चुअली समें हेल्प करते हैं इसकी नाइट्रोजन फिक्स करने में इन सेल्स का नाम है हेट्रोसिस्ट ये हेट्रोसिस्ट वाला सेल है जहां पर क्या होगी मेरी फिक्स होगी जहां पर क्या होगी मेरी फिक्स जैसे इस ये ऑर्गेनिज्म जो मैंने आपके लिए ड्रॉ किया इसका नाम है नोस्टॉक इसका नाम है नोस्टॉक इसके साथ अगर मैं यहां एग्जाम्पल्स लिखूंगी तो एक एग्जाम्पल का नाम है एना बीना एक एग्जाम्पल का नाम है नोस्टॉक आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया है कि ये जो मेरे साइनोबैक्टीरिया है ये किसमें में हेल्प करते हैं दे हेल्प टू फिक्स नाइट्रोजन यूजिंग हेट्रोसिस्ट इसको लिख देती हूँ चलो मैं ठीक है कहां लिखू यहीं पर लिख देती हूं दे हेल्प टू फिक्स N2 टू ंग स्पेशल सेल जिस सेल का नाम क्या है हेट्रोसिस्ट है जिस सेल का नाम क्या है बेटा हेट्रोसिस्ट है जल्दी से देख लो इसके साथ हो गया है मेरा साइनोबैक्टीरिया कैटेगरी फिनिश क्या हो गया है मेरा साइनोबैक्टीरिया की कैटेगरी फिनिश हो गई है अब मैं आ गई कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया पे ये तो एक लाइन का है बेटा एक लाइन का है देखो कीमो सिंथेटिक सिंथेटिक मतलब मैं बना मैं बात कर रही हूं सिंथेसिस करने की टू मेक टू प्रोड्यूस कीमो मतलब मैं बात कर रही हूं केमिकल्स की कीमो मतलब मैं बात कर रही हूं केमिकल्स की तो इसका मतलब यहां पे क्या है यूज ऑफ inorganic chemicals like nitrate sulfate phosphate etc to synthesize atp ए बनाने के लिए जब मैं इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करती हूँ तो उसे मैं बोलती हूँ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया मैं बोल सकती हूं दे हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स हां जी ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स ही तो हैं फॉस्फेट्स सल्फेट्स तो इस बहाने इनकी हो जाती है रिसाइकलिंग इसे हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो अपना खाना अपनी एनर्जी इससे बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बेटा आई होप आपको इतना क्लियर है अब मैं चलती हूँ हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के साथ मेरा किंगडम मोनेरा हो जाएगा खत्म बेटा हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का मतलब क्या है इसका मतलब है दे कैन नॉट मेक या फिर सिंथेसाइज देयर ओन फूड ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते मैं इतना समझ गई ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते मैं इतना समझ गई हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या खाना अपना खुद से नहीं बना सकते ये समझो मोस्ट बैक्टीरिया अमंग ऑल आर हेट्रोट्रॉफ्स ओनली मतलब मैंने तीन कैटेगरीज जरूर पढ़ी बट मैक्सिमम बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफ की कैटेगरी में ही बिलोंग करते हैं अगर मैं इनके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दू आपको क्या दू कुछ कुछ एग्जाम्पल्स तो मैं बोलूंगी लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस किसमें हेल्प करता है बेटा कर्ड मेकिंग में हेल्प करता है इसके अलावा अगर मैं आपके लिए बात करूँ लैक्टोबैसिलस अगर मैं बात करूँ राइजोबियम की तो राइजोबियम किस में हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर देगा ये बैक्टीरिया वो हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीजेस भी कॉज करते हैं जैसे कि अगर मैं प्लांट के डिजीज़ की बात करूं, तो एक डिजीज का नाम है सिट्रस कैंकर क्या नाम है सिट्रस कैंकर जो एक बैक्टीरिया कॉज करता है जिसका नाम है जैंथोमोनाज सिटरी जैंथोमोनाज सिटरी या फिर एनिमल्स में बात करूं, तो टेटनस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कॉलेरा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ये प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीजेस भी कॉज करते हैं इतना समझ गए हेटरोट्रॉफिक हैं हेटरोट्रॉफिक है मतलब कि ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं पैरासिटिक बोले तो किसकी तलाश में होस्ट की तलाश में होस्ट किसको बनाया प्लांटर एनिमल को ही तो बनाया बेटा प्लांट और एनिमल को ही तो बनाया तो ये हो जाते हैं मेरे हेट्रोट्रॉफिक मोनेरा हेट्रो हेट्रो को क्या कर दिया है एकदम खलास फिनिश कर दिया है किंगडम मोनेरा को आई होप इट इज मेकिंग सेंस टू यू कि हमने क्या क्या किया आपको याद है हमने क्या क्या किया हमने सबसे पहले स्टार्ट किया अपन के क्लासिफिकेशन सिस्टम से एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन की बात की याद आ रहे हैं फिर हमने कैरेलेस लीनियस अर्नेस्ट हेकल कोपलैंड आर एच विटेकर कालवूस इसके साथ हमने टू थ्री फोर फाइव सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात की फिर हमने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पर थोड़ा गौर फरमाया और हमने देखा कि क्या पांच किंगडम्स हैं टेबल के थ्रू उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी फिर मैं आई आपके किंगडम मोनेरा पर फिर मैंने आपको किंगडम मोनेरा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई उसका शेप सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसे उसे आर्की और यू बैक्टीरिया में डिवाइड किया माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ा उसमें रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा फिर मैं आई आर्की बैक्टीरिया पर पहली कैटेगरी फिर मैंने आर्की बैक्टीरिया को डिवाइड किया हेलोफाइल्स थर्मो एसिडोफाइल्स और मिथानोजेंस फिर मैंने यू बैक्टीरिया पर आई

किंगडम प्रोटेस्टा अब हम लोग करने वाले हैं स्टार्ट किंगडम प्रोटेस्टा की बेटा अगर मैं बात करूँ आपसे देख लेते हैं आधी चीजें हमें ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी कुछ कुछ चीजें मैंने आपको ऑलरेडी साथ में बताई हैं जैसे कि अगर मैं किंगडम प्रोटेस्टा की बात करती हूँ किसकी बात करती हूँ किंगडम प्रोटेस्टा की तो एक तो मेरे इसमें यूनिसेल्यूलर रेट्स आ जाते हैं मैंने आपको ये बताया था यूनिसेलुलर यू कैरेट्स आ जाते हैं ये बताया था मैंने आपको क्या आ जाते हैं यूनिसेलुलर यू कैरेट्स इसके अलावा मैंने आपको बताया था दैट बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल well डिफाइंड इस किंगडम की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है इट इज अ लिंक बिटवीन किस चीज के बीच में लिंक है किंगडम प्लांटे एनिमिलिया एंड फंजाए तीन किंगडम्स के बीच का ये लिंक है ये लिंक क्यों है बेटा ये समझिए क्योंकि जब मैं अपने प्रोटेस्टा किंगडम की बात करूंगी तो मुझे कुछ प्रोटेस्ट मिलेंगे जो कि प्लांट लाइक रहेंगे कुछ मिलेंगे जो फंजाई लाइक रहेंगे कुछ मिलेंगे एनिमल लाइक तो इनका नाम लिख के खत्म करते हैं बेटा ठीक है प्लांट लाइक प्रोटेस्ट में पहला नाम है जिन्हें मैं बोलती हूं क्राइजोफाइट क्या बोलती हूं बेटा क्राइजोफाइट दूसरा नाम है डायनोफ्लाजुलेट तीसरा नाम है यूग्लिनोइड पहला क्राइजोफाइट्स, दूसरा डाइनोफ्लाजुलट्स तीसरा यूग्लिनोइड्स, फंगस लाइक -like प्रोटेस्ट में चौथी कैटेगरी विच इज मोल्ड, फंगस लाइक -like प्रोटेस्ट में चौथी कैटेगरी विच इज मोल्ड, एनिमल प्रोटेस्ट में लास्ट कैटेगरी जिसे मैं प्रोटोजोन या फिर प्रोटोजोआ कहकर बुलाती हूं यहाँ पे जोन या फिर जोआ वर्ड का मतलब एनिमल से है बेटा जू एनिमल ठीक है तो ये पांच टाइप के प्रोटेस्टा हैं जो कि मैं अभी के अभी जल्दी से कर देते हैं खत्म पहला आ गया बेटा मेरा फाइट्स पहला क्या आ गया मेरा क्राइजो तो चलो जल्दी से खत्म करें अगर मैंने बात की सी एच आर वाई एसओ क्राइजो फाइट की क्राइजो का मतलब होता है गोल्ड कलर फाइट का मतलब होता है एक तरीके से प्लांट या फिर हम इनको प्यार से गोल्डन एल्गी भी बुला देते हैं क्या बुला देते हैं क्राइजोफाइट्स को गोल्डन एल्गी भी बुला देते हैं इतना समझे क्राइजोफाइट्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं एक को बुलाया जाता है डेस्मिड्स और एक को बुलाया जाता है डाई क्या बुलाया जाता है डेस्मिड्स और डाइटम्स अब समझिए कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं एकदम प्लांट की तरह दे आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं प्लांट की तरह एंड दे आर एक्टिक एक्टिक का मतलब कि ये मुझे फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं और मरीन वाटर में भी मिल सकते हैं इसका मतलब ये है अगला देखो दे आर एक्चुअली प्री फ्लोटिंग फॉर्म्स प्री फ्लोटिंग फॉर्म्स मतलब कि जो पानी में ऐसे ही आराम से पैसिवली फ्लोट कर रही हैं उनको हम बुला देते हैं प्लैंकटंस जो फॉर्म्स बेटा पानी में आराम से ऐसे पैसिवली फ्लोट कर रही हैं उन्हें हम क्या बुला देते हैं प्लैंकटंस इसके अंदर जो डायएटम कैटेगरी है क्या है बेटा इसके अंदर डायएटम कैटेगरी दे आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन वेरी इंपॉर्टेंट चीफ प्रोड्यूसर बोले तो काफी ज्यादा अमाउंट में फोटोसिंथेसिस बनाना बेटा डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियंस इसके अलावा इसके अलावा दे अकर इन द फॉर्म ऑफ टू ओवरलैपिंग शेल्स ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बेटा दो ओवरलॉप ओवरलैपिंग शेल्स की फॉर्म में जो कि एक सोप बॉक्स अरेंजमेंट बनाता है क्या बनाता है सोप बॉक्स अरेंजमेंट इसकी सेल वॉल किस चीज की बनी है सिलिका की और जो सिलिका है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है मतलब कि वो डिग्रेड नहीं होता है जल्दी वॉल किस चीज की है सिलिका की विच इज इनडिस्ट्रक्टेबल इसीलिए बेटा आफ्टर इट्स डेथ जब डाई एटम्स मर जाते हैं रिमेन्स ऑफ सिलिका डिपॉजिट्स जो रिमेन्स रहते हैं सिलिका डिपॉजिट्स के उन्हें हम बुला देते हैं डायटोमेशियस अर्थ देखिए मैंने बोला कि इसके जो मेन मेंबर्स हैं वो डेस्मिट्स और डायटम हैं और हम डिटेल में पढ़ेंगे डायटम्स के बारे में मैंने बताया कि ये क्राइजोफाइट प्लांट लाइक प्रोटेस्ट है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे ठीक है मैम एक्वेटिक एनवायरमेंट में रहते हैं फ्रेश और मरीन ठीक है मैम फ्री फ्लोटिंग फॉर्म्स जिनको हम प्लान कहकर बुलाते हैं डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन फोटोसिंथसिस बनी सिलिका इनडिस्ट्रक्टेबल है इसीलिए इसकी डेथ के बाद भी जब ये एनवायरमेंट में रह जाता है तो इसकी डिपोजिट्स को हम क्या बोल देते हैं बेटा इसको बोल देते हैं हम डाइटमेशियस अर्थ क्या बोल देते हैं डाइटमेशियस अर्थ तो अगर मैं डाइटोमेशियस अर्थ की बात कर रही हूं किस चीज की बात कर रही हूं डाइटोमेशियस अर्थ की बेटा तो ना ये ना काफी दानेदार होती है काफी ग्रिटी होती है, रफ, रफ है बेटा ये आप समझ रहे हो जैसे एक सैंड पेपर होता है आपने देखा है कि घर में कुछ कारपेंटर या कुछ लगे हुए एक बहुत रफ सा सैंड पेपर यूज करते हैं पॉलिशिंग के लिए और वो सैंड पेपर काफी दानेदार होता है इसीलिए डाइटमेशियस अर्थ क्योंकि ग्रिटी और रफ है इसीलिए ये किसमें यूज होती है पॉलिशिंग में और अगर किसी चीज को छालना हो बेटा छलना हो और क्या बोलते हैं हम फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स और सिरप्स में भी यूज हो जाएगी डाइटमेशियस अर्थ ग्रिटी और रफ है पॉलिशिंग में यूज होगी और फिल्टरेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में ये हो गया है बेटा मेरा क्राइजोफाइट्स अब मैं आ गई किस पर डाइनो पर किस पर आ गई डाइनो नाम देखो डायनो और क्या लिखा है फ्लैजिलेट डाई बोले तो दो फ्लैजिलेट बोले तो फ्लैजिला इसका मतलब इसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट है कैसे दो फ्लाजुला प्रेजेंट है समझिए सपोज इसका ये एक पार्ट है एक डाइनो फ्लाजुलेट का अपर सा लगा लो और ये एक इसका लोअर वाला पार्ट है यहाँ पर ये बड़ा ज्यादा हार्ड और थिक है मतलब यहां पर एक्चुअली बहुत थिक बहुत हार्ड सेल्यूलॉस की प्लेट्स सी प्रेजेंट है बेटा बहुत थिक बहुत हार्ड सेल्यूलॉस की प्लेट्स प्रेजेंट है और इसके दो फ्लाजुला हैं जो बीच में आप ये ग्रूव देख रहे हो तो एक फ्लाजुला तो लॉन्गिट्यूडनल है और एक यहां पर ट्रांसवर्स है तो मैंने क्या बोला इसके अंदर दो फ्लाजुला हैं वो क्या है अनईक्वल एक है ट्रांसवर्स एक है लोंगिट्यूडिनल इतना समझ गए अपन लोग ठीक है जी इसके बाद ये एक मरीन फॉर्म है स्पेसिफिकली डिफरेंट फ्रॉम क्राइजोफाइट ठीक है मैम फोटोसिंथेसिस तो ये कर ही लेगा तो फोटोसिंथेटिक है पानी में मस्त तैरता है प्लैंकटोनिक फ्रॉम प्लैंकटोनिक फॉर्म फ्री फ्री फ्लोटिंग इन वॉटर ठीक है इसकी बॉडी में रिजिड सेल्यूलॉस प्लेट्स प्रेजेंट है ये तो आपने ऑलरेडी देख ही लिया है बेटा इसके अलावा डिफरेंट पॉइंट दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट कलर्स ये अलग अलग कलर्स में एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि रेड कलर हो गया ब्राउन कलर हो गया ग्रीन कलर हो गया पिंक कलर हो गया येलो कलर हो गया क्यों ऐसे ऐसे कलर्स क्यों बिक ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स बिकज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स क्योंकि अलग अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट होने की वजह से ये अलग अलग कलर के दिखेंगे ठीक है बेटा इसके अलावा हमें सिर्फ एक चीज देखनी है वो ये है कि एक डाइनोफ्लाजिलेट है जिसका नाम है g जी ओ एन वाई ए यू एल एक्स गोन्यूलैक्स क्या नाम है गोन्यूलैक्स ये एक फिनोमिना कॉज करता है जिसे मैं बोलती हूं रेड टाइड जिसे मैं क्या बोलती हूं रेड टाइड बेटा गोन्यूलैक्स मल्टीप्लाई इमेंसली इन द सी सी के अंदर इतना इमेंसली मल्टीप्लाई करता है कि जो मेरी टाइड है वो रेड कलर की नजर आती है इसीलिए ये कॉज करता है एक फिनोमिना जिसे मैंने बोला रेड टाइड जिसे मैंने क्या बोला रेड टाइड बेटा ये कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स भी रिलीज करता है क्या रिलीज करता है ये कुछ ना कुछ टॉक्सिन रिलीज करता है विच इज हार्मफुल टू फिशेज या फिर जो और ऑर्गेनिज्म आपके सी में प्रेजेंट होंगे अगर ये टॉक्सिंस रिलीज कर रहा है सो इट कैन रिलीज फिशेज एंड अदर एक्वेटिक लाइफ अलोंग विद इट डाइनोफ्लाजिलेट क्या बोला नाम से पता लग रहा है डाय दो दो unequal, एक एक है 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 करता की हैं अलग-अलग अलग-अलग में दिखता है, क्योंकि फ्लाजिला इंपॉर्टेंट इससे सवाल आ जाता है कई बार गोन्यूलेक्स क्या फिनमिना कॉज करता है रेड टाइड और साथ में रिलीज करता है टॉक्सिन्स डायग्राम देख लीजिए बेटा ये क्राइजोफाइट हैं मेरे डायटम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये सोप बॉक्स अरेंजमेंट नजर आएगा अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा सिलिका वॉल काफी हार्ड रिजिड और ऐसा सोप बॉक्स अरेंजमेंट नजर आएगा तो ये क्या है मेरे क्राइजोफाइड स्पेसिफिकली डायटम्स और ये क्या फिनमिना नजर आ रहा है आपको रेड टाइड फिनोमिना विच इज कॉज बायुलेक्स विच इज अ डाइनोफ्लाजुलेट इसके साथ अगर मैं चलू अपने थर्ड मेंबर पर विच इज वॉट एवरी वन विच इज यूग्लिनोइड्स आप देखो थोड़ा सा खास मेंबर है बेटा अगर मैं यूग्लेनोइड की बात कर रही हूँ so जो कि थोड़ा सा ऐसा हार्ट शेप्ड सा स्ट्रक्चर होता है बेटा यूग्लिना का और इसके पास भी दो फ्लाजुला होते हैं ऐसे अनईक्वल ठीक है समझ पा रहे हो तो ये ऐसा मेरा यूग्लिना होता है हार्ट शेप्ड ठीक है युगलीना होता है हार्ट शेप और इसके दो फ्लैजिला होते हैं तो ये मैंने क्या ड्रॉ किया समझिए जरा युगलीना जो कि इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है बेटा आप युगलिनोइड ऐसे हैं कि ये समझिए जरूरी है रिजेंबल करते हैं प्लांट्स को भी और किसको रिजेंबल करते हैं एनिमल्स को भी अब आप कहोगे कि मैम ऐसा कैसे पॉसिबल है ऐसा कैसे पॉसिबल है बेटा देखिए अगर सनलाइट प्रेजेंट है प्रेजेंट है अगर मैं बोलू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो ये किस तरीके से एक्ट करेंगे ऑटोट्रॉप की तरह लेकिन अगर सनलाइट एबसेंट है एबसेंस ऑफ सनलाइट तो ये किस चीज की तरह एक्ट करेंगे देन दे विल एक्ट एज हेट्रोट्रॉप तो न्यूट्रिशन हो गया ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट जैसा हेट्रोट्रॉफिक एनिमल जैसा इतना समझे इसके अलावा मैं समझी कि इनके पास फ्लाजुला हैं दो एपिकल फ्लाजुला है टॉप पे और ये दो फ्लाजुला क्या है ये है अन इसके अलावा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट दे हैव पिगमेंट्स जो इनके पास पिगमेंट्स है फोटोसिंथेसिस करने के लिए पिगमेंट्स रिजेंबल एग्जैक्टली टू हायर प्लांट्स बेटा ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है कि आपके हायर प्लांट्स में जो पिगमेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के के लिए यूग्लिनोइड्स पास भी वही के वही पिगमेंट्स हैं इट इज अ वेरी बिग डील ठीक है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां पर जो सेल वॉल है वो क्या है एबसेंट सेलवॉल एबसेंट है लेकिन एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट है एक प्रोटीन रिच लेयर जिसका नाम है पेलिकल जिसका नाम क्या है पेलिकल जो कि यूग्लिनोइड्स को क्या प्रोवाइड करती है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है इंपॉर्टेंट ठीक है तो मैंने बोला कि बोलाबल करते हैं प्लांट और एनिमल दोनों से प्लांट से क्यों क्योंकि लाइट है तो ऑटोट्रॉक्स लाइट नहीं है तो हेट्रोट्रॉक्स फ्लाजिला का नंबर दो अन पिगमेंट रिजेंबल टू हायर प्लांट्स सेल वॉल एबसेंट उसकी जगह प्रोटीन रिच लेयर है जिसका नाम पेलिकल है जो कि इन्हें प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी इसके साथ में आ जाती हूँ मेरे स्लाइम मोल्ड्स पर आई होप बेटा अभी तक आपको क्राइजो जिसमें और पढ़ा वो समझ आया उसके बाद हमने क्या पढ़ा दूसरा कैटेगरी जल्दी बताओ डाइनो फ्लाजुलेट अलग अलग कलर के दो याद है की प्लेट्स फ्लाजुलास तीसरा हमने किया यूग्लेनोइड चौथा और पांचवा रह गया चौथा क्या है स्लाइम मोल्ड्स तो मैं स्लाइम मोल्ड्स को क्या बोल दूं बेटा कि जो मेरे स्लाइम मोल्ड्स हैं वो कैसे प्रोटिस्ट हैं फंजाई लाइक प्रोटेस्ट है क्या है बेटा ये फंगस लाइक प्रोटेस्ट है इसका मतलब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा या फिर सैप्रोट्रोफिक बोले तो दे on... बोले तो विल फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर डेड और डिकेइंग मैटर पर ये फीड करेंगे मोल्ड्स अब बेटा ये स्लाइम मोल्ड्स आसपास की कंडीशन के हिसाब से आसपास की कंडीशन क्या हो सकती है या तो बहुत अच्छी हो सकती है अच्छी बोले तो फेवरेबल कंडीशन ना अच्छी बोले तो अनफेवरेबल कंडीशन तो अगर मैं फेवरेबल कंडीशन की बात करूं तो ये फेवरेबल कंडीशन में एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे मैं बोलती हूँ प्लाज्मोडियम क्या बोल देती हूँ प्लाज्मोडियम क्या बोलती हूँ बेटा प्लाज्मोडियम बेटा ये ना थोड़ा सा ऐसे किस थोड़े से येलोइश कलर का स्ट्रक्चर होता है ऐसे स्पॉन्जी सा स्ट्रक्चर नजर आएगा एंड स्प्रेड्स टू सेवरल फीट काफी ज्यादा सेवरल फीट तक स्प्रेड कर जाएगा और ये एक मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है मल्टीन्यूक्लिएट के लिए एक टर्म होती है सीनोसितिक. तो प्लाज्मोडियम स्प्रेड कर जाएगा तो स्लाइम मोल्ड फेवरेबल कंडीशन में क्या बनाते हैं प्लाज्मोडियम अब समझो कि फेवरेबल कंडीशन चल रही थी उसके बाद आ गई मेरी अनफेवरेबल कंडीशन तो अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम कन्वर्ट हो जाएगा और क्या बना देगा इट विल फॉर्म अ फ्रूटिंग बॉडी क्या बनाएगा ये अनफेवरेबल कंडीशन में इट विल फॉर्म अ फ्रूटिंग बॉडी बेटा फ्रूटिंग बॉडी वो स्ट्रक्चर है दैट कंटेन स्पोर्स और स्पोर्स का फायदा क्या है स्पोर्स हैव रिजिड सेलवॉल एंड मैंने कि फेवरेबल कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन तो इतना ध्यान रखना फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनेगा अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो प्लाज्मोडियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूटिंग बॉडी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स स्पोर्स की वॉल रेजिस्टेंट है तभी तो अनफेवरेबल कंडीशन में इसे ये बनाया ये हो गया बेटा मेरा स्लाइम मोल्ड ये हो गया मेरा स्लाइम मोल्ड ठीक है आई होप आपको इतना समझ आया बेटा ये मेरा स्लाइम स्लाइम मोल्ड मोल्ड हो गया डायग्राम देख लीजिए का देखो मैंने बताया कि येलो कलर का ऐसे गुई सा मास होता है और ये आगे 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 आगे, आगे बेटा स्प्रेड करता जाता है ये होता है प्लाज्मोडियम ये होता है प्लाज्मोडियम ये जो आप देख रहे हो ये है मेरा यूग्लिनोइड्स का डायग्राम युगलीना है आपको फ्लैजिला नहीं नजर आ रहा लेकिन देखो अलग अलग शेप सी नजर आ रही है ये मेरे यूग्लिनोइड्स हैं अगर लाइट है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे नहीं है तो एनिमल्स की तरह हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके साथ मैं आ जाती हूं अपनी लास्ट कैटेगरी पर बेटा प्रोटिस्टा की जिनका नाम है प्रोटोजोन्स तो मैम जल्दी से इसे भी खत्म करा दो तो अगर मैंने बात की देखिए प्रोटोजोन्स की तो ये कैसे प्रोटिस्ट्स हैं ये हैं मेरे एनिमल -like की खास बात क्या होती है है? है कि वो movement शो करते हैं, ठीक तो ये जो है protozoa, ये जो भी बेटा करेंगे, अलग-अलग के थ्रू इसीलिए इसके अंदर हम पहली कैटेगरी सपोज क्या पढ़ेंगे एमीबॉय प्रोटोजोन दूसरा Protozoan, protozoan, और आखरी हो जाता है मेरा स्पोरोजोन आखिरी क्या हो जाता है मेरा स्पोरोजोन तो ये चार कैटेगरीज हैं बेटा जो मेरे को इसके अंदर पढ़नी है कितनी कैटेगरीज हैं? ये चार कैटेगरीज हैं जो मेरे को इसके अंदर पढ़नी है अगर मैं बात करूं एमीबॉयड प्रोटोजोन की तो आपने अमीबा तो सुना होगा बेटा एमीबा एमीबा किसके थ्रू मूव करता है अपने शूडोपोडिया के थ्रू तो इसका मूव करने का लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या है आपको पता होना चाहिए दैट इट इज शूडोपोडिया जिसे आप फॉल्स फीट भी बुलाते हो बेटा ये फॉर्म्स मेरे पैरासिटिक हो सकते हैं और दे हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस पैरासिटिक बोले तो किसी ना किसी होस्ट की मदद लेंगे किसी ना किसी होस्ट की मदद लेंगे तो आपने सुना बेटा एक डिजीज होता है एमीबिक डायसेंट्री डायसेंट्री हमें होती है अगर हम गंदा पानी पी लेते हैं कंटामिनेटेड वाटर पी लेते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि हम एमीबॉइड प्रोटोजोन का इनटेक कर रहे हैं इसके एग्जाम्पल देखिए एंट एमीबा ठीक है ये हो जाएगा एक एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हो जाएगा एमीबा किसके थ्रू मूव करते हैं शूडोपोडिया के थ्रू मूव करते हैं दूसरी कैटेगरी देखिए सीलिएटेड प्रोटोजोआ दूसरी कैटेगरी क्या है बेटा सीलिएटेड प्रोटोजोआ सीलिएटेड प्रोटोजोआ में इसकी पूरी बॉडी के ऊपर 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 क्या प्रेजेंट है इसकी पूरी बॉडी पर क्या प्रेजेंट है इसकी पूरी बॉडी पर प्रेजेंट है सीलिया ये मैंने क्या ड्रॉ किया है पैरामीशियम एग्जाम्पल क्या है पैरामीशियम बेटा ये जो सीलिया है ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट दिखाते हैं क्या दिखाते हैं बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट आप सपोज करो आप सपोज करो कि खाना यहाँ पर प्रेजेंट है खाना यहां पर प्रेजेंट है तो सारे सीलिया नाव के चप्पू की तरह सारे एक ओरिएंटेशन में चलेंगे सारे एक ओरिएंटेशन में सोचो अगर आप नाव चला रहे हो तो आप चप्पू को ऐसे पीछे पीछे पानी को पीछे धक्का देते हो पानी को पीछे धक्का देते हो तो न्यूटन के थर्ड लॉ से बोट आगे जाती है हाँ कि नहीं तो ये भी वैसे ही काम करते हैं सारे के सारे सीलिया ऐसे एक डायरेक्शन में काम करेंगे कि ये फूड आकर इसके माउथ में चला जाए इसकी ये जो माउथ की ये जो कैविटी होती है इसकी ये जो माउथ की ये कैविटी होती है इसको मैं बुलाती हूँ गलेट गलेट इज काइंड ऑफ पैरामीशियम का माउथ कि, कि खाना सीधा मुंह के अंदर ये होता है मेरा तीसरी कैटेगरी है बेटा मेरा फ्लैजलेटेड प्रोटोजोआ ये किसकी हेल्प से मूव करेंगे फ्लैजिला की हेल्प से इसका एग्जाम्पल है ट्राइपैनोसोमा क्या नाम है बेटा एग्जाम्पल का ट्राइपेनोसोमा ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है देखिए सपोज ये और इसके ऐसे फ्लाजुला प्रेजेंट है ऐसे ट्राइपेनोसोमा ये एक डिजीज कॉज करता है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस बेटा इसमें आपका स्लीप साइकिल एकदम बिगड़ जाता है और लेटर ऑन ये आपको इम्बेलेंस और डिसकोऑर्डिनेटेड डिसोरिएटेड फील कराता है तो इतना नॉर्मल या रेग्यूलर डिजीज नहीं है इट इज अटल डिजीज इन दाइफ तो ट्राई पेनोसोमाटेड प्रोटोजो इसके साथ में आ गई लास्ट कैटेगरी पे विच इज स्पोरोन बेटा इन सबके पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर थे शूडोपोडिया सीलिया फ्लैजुला स्पोरोजोन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ोकोमोटरी स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट यहां पर कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर मेरे पास प्रेजेंट नहीं है इट हैज इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल इसकी लाइफ साइकिल में हमें एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज देखने को मिलेगी एग्जाम्पल है इसका प्लाज्मोडियम जी बेटा ये वो प्लाज्मोडियम है जो कि क्या कॉज करता है मलेरिया कॉज करता है याद रखना ये वो वाला प्लाज्मोडियम है जो कॉज करता है मलेरिया इसके साथ हमने प्रोटोजोन्स भी कर लिए फिनिश तो देखिए

आगे किसके साथ बढ़ेंगे किंगडम फंगस तो अब आप ये देख लो कि हमने तीन मेजर टॉपिक्स खत्म कर दिए हैं अब हम किसके साथ स्टार्ट करेंगे बेटा किंगडम फंगस के साथ स्टार्ट करेंगे, करेंगे. किसके साथ स्टार्ट करेंगे हम लोग किंगडम फंगस के साथ पहले देखेंगे किंगडम फंगस के जनरल कैरेक्टर्स और फिर उसकी चार क्लासेस पढ़ेंगे विच आर फाइकोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज

कि जो फंगस है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकती हैं और वो डेड और मैटर पर फीड करती हैं जैसे कि मेरा टिफ़िन बॉक्स का खाना उस पर इजीली फंगस लग जाती है मॉइस्चर है अच्छा टेम्परेचर प्रेजेंट है तो मेरे फंगस का जो इम्पोर्टेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है बेटा वो क्या है सेप्रोट्रॉफ और अगर मैं जनरली न्यूट्रिशन की बात करूँ सो इट इट इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन It is what? Heterotrophic nutrition. क्यों क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं इसके अलावा क्यों क्योंकि उसके अलावा जो फंगस की सेल वॉल है वो बनती है एक कंपाउंड की जिसको मैं बोलती हूँ काइटिन क्या बोलती हूँ बेटा जिसको मैं काइटिन क्योंकि प्लांट की वॉल सेल्यूलॉस की बनती है इसीलिए हम काइटन को प्यार से फंगल सेल्यूलॉस भी बुला देते हैं। क्या बुला देते हैं प्यार से इसे हम फंगल सेल्यूलॉस भी बुला देते हैं अब और फंगस को जानने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि हमें फंगस कहाँ कहाँ मिलेंगी जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरी कुछ फंगस वीट के अंदर डिजीज कॉज करती है जिसे मैं रस्ट बोलती हूँ बेटा वीट में रस्ट कॉज करती है तो उसका नाम है पक्सीनिया पक्सीनिया एक फंगस का नाम है जो वीट में डिजीज कॉज करती है एक और फंगस जो मस्टर्ड यानी कि सरसों में डिजीज कॉज करती है उसका नाम क्या है एलब्यूगो उसका नाम क्या है एलबियूगो और मैं आपसे बात करूं एक एंटीबायोटिक की जिसका नाम है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलिन वो किस फंगस से मिलती है जिसका नाम है पेनिसिलियम फंगस पेनिसिलियम से पेनिसिलिन मिलती है इसके अलावा बेटा अगर मैं ब्रेड मेकिंग की बात करूं बियर मेकिंग की बात करूं मतलब मैंने बेकिंग इंडस्ट्री की बात कर ली सारी के सारी किस चीज़ की बात कर ली मैंने मैंने अगर बेकिंग इंडस्ट्री की बात कर ली तो उसके अंदर मेरी एक फंगस है वेरी इंपॉर्टेंट ईस्ट विच इज वन ओनली एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेल्यूलर फंगस एक सेल की फंगस का मेरा एग्जाम्पल है ईस्ट क्या है मेरा बेटा एग्जाम्पल मेरा एग्जाम्पल है ईस्ट इसके अलावा मैं फंग फंगस को एक एसोसिएशन में देखती हूँ जिसका नाम है लाइकन और जिसका नाम है माइकोराइजा लाइकन और माइकोराइजा लाइकन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें एल्गे और फंगस साथ होती है एल्गे फंगस को खाना देती है फंगस एल्गे को शेल्टर प्रोवाइड करती है और बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में बहुत डीप प्रेजेंट है उनको अवेलेबल कराती है माइकोराइजा की बात करूं तो ये एसोसिएशन है रूट ऑफ हायर प्लांट्स रूट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ जब फंगस एसोसिएट कर जाए तो उस एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं माइकोराइजा तो मैंने फंगस में न्यूट्रिशन देखा कि हेटीरोट्रॉफिक है डीकंपोजर हो सकता है सेप्रोट्रॉफ हो सकता है एंड इट कैन बी आल्सो पैरासिटिक क्लोरोफिल इसके अंदर एब्सेंट है सेल वॉल काइटिन की बनी और मैं फंगस को कहां-कहां विटनेस -कहां करती हूं अलग-अलग जगह वीट के अंदर डिजीज कॉज करना मस्टर्ड के अंदर डिजीज कॉज करना सिंथेसिस ऑफ एंटीबायोटिक्स देयर यूज इन बेकिंग इंडस्ट्री बियर इंडस्ट्री और दो सिंबायोटिक एसोसिएशन के अंदर भी मेरे पास फंगस है बेटा जिसके साथ हमने फंगस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो किया अब मैं आपको फंगस की बॉडी के बारे में बताऊंगी किसके बारे में बताऊंगी बेटा आप सपोज कीजिए मैं बिल्कुल क्लियर कट बात कर रहे हैं है ना कोई हम लोग कंफ्यूजिंग नहीं बना रहे पर फंगस लगी हुई तो हम सबने देखी है मैंने क्या लिया एक टेस्ट ट्यूब ली उसके ऊपर एक ड्रॉप रखा वॉटर का वन ड्रॉप ऑफ वॉटर फिर मैंने ब्रेड ली जिस पर फंगस लगी हुई थी एक निडल ली ऐसे उस निडल से मैंने उस फंगस को क्या किया बेटा जो ब्रेड पे लगी हुई थी उसको हल्का सा टच किया और उसे उस पानी के देखा, तो मेरे को लंबी -लंबी फंगस की फिलामेंट्स नजर आई मुझे पता लगा कि जो फंगस की बॉडी है वो एक्चुअली पतली पतली फिलामेंट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं जिन लंबी लंबी सिलेंड्रिकल पतली फिलामेंटस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलती हूँ क्या बोलती हूं हाइफे तो मैंने बोला फंगल बॉडी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स कुछ ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स जिनको हम बोलते हैं हाइफा इन सिंगुलर हाइफी इन प्लूरल और साथ में देखो अगर मैं आपके लिए ये एक स्ट्रक्चर बनाऊं ये एक हाइफल स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखिए सपोज कीजिए कि मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया तो ये एक हाइफे है बेटा ये एक फंगल हाइफे है क्या है ये एक फंगल हाइफे है अब सपोज करो कि ये जो फंगल हाइफे है इसने क्या कर लिया फंगल हाइफे ने और ऐसे हाइफे के साथ मिलकर और ऐसे हाइफे के साथ मिलकर क्या बना लिया एक नेट जैसा स्ट्रक्चर बना लिया एक नेटवर्क सा बना लिया ऐसे तो इस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगी इस को मैं बोलूंगी माइसीलियम वॉट इज माइसीलियम एवरी वन इट इज नथिंग बट नेटवर्क ऑफ हाइफी इट इज वॉट एवरी वन नेटवर्क ऑफ हाइफी इसका मतलब जब मेरे बहुत सारे हाइफे एक दूसरे के साथ एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो उसको मैं क्या बोल देती हूँ माइसिलियम बोल देती हूँ अब ये सुनो कि जो मेरे हाइफे हैं बेसिकली वो दो टाइप के हो सकते हैं कितने टाइप के दो टाइप के पहला टाइप है सेप्टेट हाइफा दूसरा है एसेप्टेट हाइफा अब मैम ये क्या होता है सेप्टेट और ए सेप्टेट हाइफा इसके अंदर सारे के सारे न्यूक्लियस एक क्रॉस वॉल से अलग हैं एक दूसरे से एक क्रॉस वॉल से मेरे न्यूक्लियस सेपरेटेड हैं तो वो मेरा हाइफा कैसा हो जाएगा सेप्टेट हाइफा और अगर मैं वहीं पर वहीं पर अगर मैं क्या करूं वहीं पर ये लो यहां पर मैंने क्या किया इस कंडीशन में मैंने क्रॉस वॉल नहीं बनाई और सिर्फ न्यूक्लियस बनाती गई सिर्फ न्यूक्लियस तो यहां पर कोई क्रॉस वॉल नहीं है यह है एसेप्टेट हाइफा यह है सेप्टेट हाइफा मैं लिखूंगी कि यहां पर सेप्टम सेप्टम का मतलब है क्रॉस वॉल सेप्टम का मतलब है क्रॉस वॉल मैंने लिखा सेप्टम इज प्रेजेंट क्या लिखा बेटा मैंने कि सेप्टम यहां पर प्रेजेंट है यानी कि यहाँ पर जो सेप्टम यानी कि क्रॉस वॉल है वो क्या है यहाँ पर सेप्टम इज एबसेंट अब ये देखो कि सेप्टम एबसेंट होने की वजह से एक कंडीशन बन गई जिसे मैं मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन बुलाती हूँ क्या बुलाती हूँ जिसे मैं मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन इस मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन को सीनोसिटिक कंडीशन या फिर सीनोसिटिक हाइफे भी बोलते हैं इंपॉर्टेंट ये जो वर्ड है सीनोसेटिक हाइफे ये इंपॉर्टेंट है क्या सीनोसेटिक हाइफे मतलब मैं मल्टीन्यूक्लियेट कंडीशन की बात कर रही हूँ जो कि सेप्टा के एबसेंट होने से आती है इसके बाद मेरा लास्ट पॉइंट मेरे फंगस के अंदर रहेगा फंगस के रिप्रोडक्शन का किस चीज का रहेगा फंगस के रिप्रोडक्शन का तो पहले मैं बात करूंगी वेजिटेटिव मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन फिर मैं बात करूंगी ए मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन और फिर मैं बात करूंगी सेक्जुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अगर मैं इनकी बात कर रही हूं बेटा तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगी मैं बोल दूं कि ये हो जाएगी बेटा बडिंग से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे हो जाएगी सपोज करो कि ईस्ट के अंदर बडिंग हो रही है या मेरा एक हाइफा टूटकर दो हाइफे बना देगा उसको क्या बोलेंगे मैम वो तो हमें पता है उसे बोलेंगे हम फ्रेगमेंटेशन क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे रिप्रोडक्शन होगी कुछ स्पोर्स के थ्रू जैसे कि मैंने बोला जू स्पोर्स जू स्पोर्स मोटाइल बेटा नाम से क्लियर है और स्पोर्स का नाम हो सकता है स्पोरेंजियो स्पोर्स ये भी स्पोर्स रहेंगे जो कि स्पोरेंजियम यानी कि सैक के अंदर प्रेजेंट है और तीसरे स्पोर्स हो सकते हैं कोनीडिया। कोनीडिया भी स्पोर्स हैं इन स्पोर्स की हम एक एक करके बात करेंगे बेटा जैसे आगे हम इनको अलग अलग क्लासेस में पढ़ेंगे अब जो मेरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है क्या होती है बेटा मेरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी सेक्जुअल रिप्रोडक्शन मतलब यहाँ पर गेमीट का फ्यूजन होना बनता है किसका फ्यूजन होना बनता है गेमीट का फ्यूजन होना बनता है कि कुछ ना कुछ गेमीट फ्यूज करती हैं बेटा लेकिन अगर आप फंगस को देखोगे तो फंगस इतना स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म नहीं है कि मेल फंगस या फिर फीमेल फंगस मिले इसीलिए मेरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिकली तीन स्टेप्स आ जाते हैं पहले स्टेप को मैं बोल देती हूँ प्लाज्मोगेमी दूसरे स्टेप को मैं बोल देती हूँ कैरियोगेमी और तीसरे स्टेप को मैं बोलती हूँ मियोसिस तो ये मेरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही तीन स्टेप्स है फंगस के अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई कैसे ये समझिए बेटा सपोज कीजिए कि मेरे पास एक हाइफा ये था और एक हाइफा ये था ये प्लस स्ट्रेन का ये माइनस स्ट्रेन का कि दो अलग अलग जेनेटिक कॉम्पोजिशन के हाइफे हैं मैंने सेप्टेट हाइफा लिया है तो मैंने इनके न्यूक्लियस बना दिए पे पे सेप्टेट हाइफा लिया है तो मैंने इनके न्यूक्लियस बना दिए अब बेटा देखो ये क्या करेंगे, आगे जाकर करेंगे ये फ्यूज जो इनकी टिप्स है ये आगे जाकर क्या करेंगी फ्यूज करेंगी तो सोचिए कि मेरा कौन सा स्टेप हुआ प्लाज्मोगेमी का स्टेप तो मेरे को कैसी कंडीशन नजर आएगी प्लाज्मोगेमी के स्टेप के बाद मेरे को कुछ ऐसी कंडीशन नजर आने वाली है कि अगर मैं इसे हाईलाइट कर दूं कि मैं इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस की बात कर रही हूं सो टू हूँ आर हेयर इन वन सेल तो मैंने देखा कि प्लाज्मोगेमी में क्या हुआ दोनों हाइफे का साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है क्या फ्यूज हुआ है बेटा साइटोप्लाजम फ्यूज हुआ है अब आगे मेरे को क्या देखना है आगे मेरे को देखना है कैरियोगेमी। कैरियो मतलब न्यूक्लियस गैमी मतलब फ्यूजन तो अब मुझे न्यूक्लियस का फ्यूजन देखना है तो मैं कैसे देखूंगी जरा देखो कि जी, ये तो था ही बट बीच में ये दोनों न्यूक्लियस का क्या हो गया फ्यूजन और ये स्ट्रक्चर बन गया 2n यानी कि डिप्लॉयड ये स्ट्रक्चर क्या बन गया 2n यानी कि डिप्लॉयड बेटा ये जो आपको नजर आ रहा है एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस इसको हम बोलते हैं कि मेरे पास डाइकैरियोन बन गया है डाइ मतलब टू कैरियोन मतलब न्यूक्लियस इसको हम बोलते हैं डाइकैरियोन स्टेज क्या बोलते हैं डाइकैरियोन स्टेज कब कैरियोगेमी से जस्ट पहले जब मुझे एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस दिखें उसको बोलते हैं डाइकैरियोन स्टेज बेटा डाइकैरियोन स्टेज इज विजिबल इन टू क्लासेस ऑफ फंगस ज तो आप कहोगे की मैम बाकी फंगस में क्या होता है बेटा बाकी फंगस के अंदर आप ये स्टेज देखोगे और ये स्टेज दिखने से पहले ही इट वुड बी फॉर इतना लेस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड की यू डाइले डायरेक्टली सी दिस क्या ये स्टेज देखने के बाद अब एकदम से ये स्टेज देखोगे ये इस स्टेज में रुकेगा ही नहीं ऐसा नहीं कि ये स्टेज आएगी नहीं ये स्टेज आएगी बत, बत इतने कम टाइम के लिए आएगी दैट इट वोंट बी ऑब्जर्वड इसीलिए हम कहते हैं कि मुझे डाई कैरे ऑन कंडीशन एस्को और बेसिडियो में दिख जाती है अब जब हमने चीजें शुरू एन एन से की थी अब हम टू एन पर पहुंच गए हैं तो इस टू एन स्ट्रक्चर को एन में कन्वर्ट करने के लिए लगेगा मेरा तीसरा स्टेप विच इज इसका मतलब मेरी रिप्रोडक्शन भी हो गई विद नंबर टू कैरियोगेमी नंबर थ्री मियोसिस समझ रहे हो तो इसके साथ हमने क्या कर लिया अपने फंगस की इंट्रोडक्शन देख ली है ये देखिए जरा एक और बार जो फंगल बॉडी है एग्जिस्ट करती है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में जिन्हें हम सिंगुलर हाइफा प्लूरल हाइफी बोलते हैं कुछ ऐसा दिखता है हाइफी का नेटवर्क बन गया तो उसको क्या बोल दिया माइसीलियम बोल दिया हाइफी के दो टाइप सेप्टेट और एसेप्टेट सेप्टम बोले तो क्रॉस वॉल है तो सेप्टेट क्रॉस वॉल नहीं है तो एब्सेंस ऑफ सेप्टा एसेप्टेट एसेप्टेट कंडीशन में मुझे मल्टीपल न्यूक्लियस नजर आएंगे मल्टीन्यूक्लियेट कंडीशन का दूसरा नाम सीनोसिटिक हाइफे रिप्रोडक्शन की बात करें वेजिटेटिव बडिंग में होगी जो कि ईस्ट में होगी फ्रैगमेंटेशन ऑफ हाइफा एक हाइफा टूटा दो हाइफा मिल गए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी ज़ूस्पोर्स से जो कि मोटाइल स्पोर्स हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स जो कि स्पोरेंजियम में प्रेजेंट हैं और कोनिडिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूज करनी चाहिए, बट यहाँ पे हम हाइफे की बात कर रहे हैं तो हाइफे एक सेल में दो न्यूक्लियस डाइर बना मियोसिस से टू डाइकैरियॉन बना दोनों का फ्यूजन हुआ कैरियोगेमी से मियोसिस से कंडीशन रिस्टोर हो गई हो गया हमारा फंगस का इंट्रोडक्शन खत्म i hope all this is making sense to you because आपको एक फ्लो चार्ट की अच्छा इसमें ऐसे होता है इसमें ऐसा होता है ऐसा आपको समझ आना चाहिए because अगर आप किसी भी चीज को डॉक्टर की क्वालिटीज क्या है एक डॉक्टर की क्वालिटीज क्या होती है कि किसी भी चीज को आप बहुत सरलता से समझा सकें क्योंकि देखो बेटा अगर आप किसी पेशेंट के साथ भी डील कर रहे हो तो ये बहुत जरूरी है कि आप पेशेंट को कम्युनिकेट करो कि उसे प्रॉब्लम क्या है अब आपको पता है कि हमारे मोस्टली डिजीजेस काफी साइंटिफिक होते हैं सो यू शुड ऑलवेज थिंक कि मैं पेशेंट को कैसे बता पाऊं इन द दर लैंग्वेज कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है और इसका ये सॉल्यूशन है तो एक डॉक्टर की ये क्वालिटी है कि उसे टिपिकल चीजों को लेमैन टर्म में कि आप नॉर्मल अपनी मम्मी को अपने भाई को जनरल समझा पाओ कि भाई ऐसे ऐसे होता है वो आप कब समझा पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी कि अच्छा मैंने फंगल बॉडी को देखा वो ऐसे थी फिर उसने माइसीलियम बनाया वो रिप्रोडक्शन ऐसे दिखाएगी तो जब तक आप किसी चीज को बाय हार्ट याद नहीं करोगे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रोंग होंगे ही नहीं आपको उनको बार बार ब्रश अप करना पड़ता रहेगा रहेगा इसीलिए डॉक्टर्स की क्वालिटीज को अभी से लो चीजों को ट्रांसलेट करो अपनी लैंग्वेज में वंस यू लर्न इट चाहे 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 फिजिक्स हो 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 केमिस्ट्री बायोलॉजी ठीक है तो चीजों को ट्रांसलेट हमेशा हमेशा आपको करना रहेगा ठीक है चलो इसके साथ अब मैंने फंगस के जनरल कैरेक्टर्स देख लिए मैं आ गई मेरे फंगस के पहले टाइप पर विच इज फाइकोमाइसिटीज तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मेरे को चार क्लासेस पढ़नी है पहले का नाम है फाइकोमाइसिटीज दूसरे का नाम रहेगा एस्कोमाइसिटीज तीसरे का नाम रहेगा बेसीडियोसिटीज और चार लास्ट का नाम रहेगा ड्यूटेरो चार स्लाइड्स में मैंने कर देना है मेरे किंगडम फंगस को खत्म अब आपको ये समझना रहेगा कि ये जो फंगस की मैंने चार क्लासेस डिवाइड की इसका बेसिस क्या है क्योंकि इस पर बहुत बार सवाल आ जाता है तो बेटा इसका बेसिस रहता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन की स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है और साथ में फ्रूटिंग बॉडी का क्या टाइप है ये सब चीजें डिफाइन करती हैं बेसिस कि मैंने अपने फंगस को चार क्लासेस में डिवाइड किया फाइकोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज तो इसी पेज पर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी पहली क्लास विच इज वॉट एवरी वन विच इज फाइकोमाइसिटीज इतना समझिए कि यहाँ पर फाइको वर्ड का मतलब है एलगे और जब भी माइसिटीज वर्ड यूज हो माइसिटीज तो मैं किसकी बात कर रही हूँ तो क्या बोल सकती हूँ एल्गल फंगस अब फंगस और एल्गे साथ में कैसे बेटा इनका नाम फाइकोमाइसिटीज या एल्गल फंगस सिर्फ इसलिए है क्योंकि इनका कोई एक मेंबर है जिसकी जो सेल वॉल है जिसके जो जिसके फंगल स्ट्रक्चर के अंदर एक वॉल सेल्यूलॉस की बनती है प्लांट की तरह इसीलिए इसका नाम एल्गल फंगस रख दिया है फंगस ही हमेशा हमें सफिक्स को इम्पोर्टेंस देनी है क्योंकि फाइको बोल रहा है एल्गे है माइसिटीज बोल रहा है फंगस है तो आप किसको इम्पोर्टेंस दोगे जो बाद में आएगा मतलब ये है तो फंगस फाइको माइसिटीज एल्गल फंगस अब जब भी हम ये देखेंगे तो हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे हैबिटेट कि ये रहता कहाँ है हैबिटेट दूसरा पॉइंट मैं बात करूंगी इसकी माइसीलियम की कि इसकी माइसीलियम कैसी है तीसरा पॉइंट बेटा मैं इधर डिस्कस करूंगी कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है और मेरा चौथा और आखिरी लिखना देखिए पूरा बर्ड्स आई व्यू से पढ़ा रही हूँ मैं आपको कि आपको कोई दिक्कत एकदम नहीं आनी चाहिए ठीक है तो पहले हम डिस्कस करेंगे habitat. Habitat बोले तो कि ये में लेगा कहाँ रह लेगा बेटा ये एक्वेटिक हैबिटेट में रह लेगा जैसे कि कोई भी डैम्प और मॉइस्ट कंडीशन डैम्प और मॉइस्ट वुड रहे वहां पर भी ग्रो कर लेगा वहां पर भी ग्रो कर लेगा बट इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये याद रखना है दैट इट ऑल्सो एक्ट एज अब्लिगेट पैरासाइट ऑन plants. इसका मतलब स्पेशली ये टाइप की फंगस प्लांट में काफी तरीके के डिजीजेस कॉज करती है इट इज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट ऑब्लिगेट मतलब कंपलसरी कि जो मेरा फंगस है उसने प्लांट को होस्ट की तरह यूज किया और वो अकेले रह भी नहीं सकता इट इज एन ऑब्लिगेट एसोसिएशन तो इस क्लास की फंगस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट जो मैं पिंक में हाईलाइट कर रही हूं बेटा वो इसमें थोड़ा सिग्निफिकेंट रहेगा अब अगर मैं बात करूं इसकी माइसीलियम की तो ये मेरी इकलौती फंगस क्लास है जहां पर मेरी माइसीलियम इज एसेप्टेट एसेप्टेट और एसेप्टेट होने की वजह से कौन सी कंडीशन दिखेगी मुझे यानी कि मल्टीन्यूक्लियेट कंडीशन भी नजर आएगी वो भी यहां पर स्पेसिफिक है वो भी यहाँ पर स्पेसिफिक है अब अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं और मैं एसेक् रिप्रोडक्शन की बात करूं तो उसमें मेरे पास दो स्पोर्स बनते हैं पहले स्पोर का नाम जू स्पोर जो कि मूव कर सकते हैं यानी कि मोटाइल दूसरा स्पोर जो मूव नहीं कर सकता यानी कि ए पलानो स्पोर विच इज नॉन मोटाइल विच इज नॉन मोटाइल ठीक है बट मुद्दे की बात यह है कि ये दोनों के दोनों स्पोर्स कैसे हैं बेटा एंडोजिनस कैसे हैं एंडोजिनस बोले तो दे आर प्रोड्यूज इन साइड कैसे हैं endogenous, they are produced inside a structure, जिसे मैंने बोला endogenous. अब अगर मैं बात करती हूँ बेटा यहाँ पर अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बोल दिया जी फ्यूजन ऑफ गेमीट्स के थ्रू होता है और उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे मैं बोलती हूँ जाइगोस्पोर जिसे मैं बोलती हूँ जाइगोस्पोर तो याद रखना बेटा इस फंगस के अंदर ना एक ग्रुप आता है फर्दर जाइगोमाइसिटीज इसीलिए अगर कोई भी जाइगोस्पोर की बात करे तो समझ जाना कि मैं फाइकोमाइसिटीज की ही बात कर रही हूँ जाइगोस्पोर अगर कोई बोले तो समझ जाना कि मैं फाइकोमाइसिटीज की बात कर रही हूँ इसके अलावा मेरी सेक्जुअल रिप्रोडक्शन तीन तरीके की हो सकती है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब मेरे दोनों गेमीट सिमिलर हैं, आइसोगेमी जब मेरे दोनों हैं, और तीसरी कंडीशन क्या होती थी उगेमी जिसके अंदर जो मेल गेमीट है उसका साइज छोटा है और वो मोटाइल है और फीमेल गेमीट का साइज बड़ा है और वो नॉन मोटाइल है ये होती थी उगेमी तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख ली अब मैम लास्ट चीज क्या रह गई बेटा लास्ट चीज़ रह गई? गई मेरी एग्जाम्पल्स इसके अंदर लास्ट चीज क्या रह गई एकदम मेरे एग्जाम्पल्स रह गए एग्जाम्पल्स को मैं इधर लिख देती हूं लेट मी राइट द एग्जाम्पल्स इन रेड इंक बेटा इसके एग्जाम्पल्स हैं राइजोपस क्या है राइजोपस जो कि क्या है आपका ब्रेड मोल्ड है राइजोपस क्या है बेटा आपका ब्रेड मोल्ड है क्या है राइजोपस ब्रेड मोल्ड दूसरा एग्जाम्पल है म्यूकर और तीसरा एग्जाम्पल है बेटा एलब्यूगो जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो कि मस्टर्ड में डिजीज कॉज करता है जो कि मस्टर्ड में क्या कॉज करता है बेटा डिजीज कॉज करता है तो मैंने फाइकोमाइसिटीज के देखिए तीन एग्जाम्पल्स देखे एल्ब्यूगो अंडरलाइन करना है इनको साथ साथ क्योंकि साइंटिफिक नेम है एल्ब्यूगो राइजोपस म्यूकर ये तीन एग्जाम्पल्स हैं फाइकोमाइसिटीज के हमने इनका हैबिटेट देखा हमने इनकी माइसीलियम देखी एसेप्टेट है रिप्रोडक्शन देखी उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी और लास्ट में हमने क्या देखे इस फंगस के एग्जाम्पल्स देखे जिसके साथ फाइकोमाइसिटीज हो गया है खत्म और ऐसे दिखते हैं कुछ कुछ मेरे फाइकोमाइसिटीज जैसे बेटा हमने म्यूकर लिखा तो म्यूकर को हम कॉमनली पिन मोल्ड बोलते हैं क्या पिन जैसे एक पिन का हेड होता है तो देखो आपको ऐसा नजर आ रहा है कि यहाँ पे पिन के कुछ कुछ हेड जैसा स्ट्रक्चर तो ये आपको म्यूकर दिखाई गई है, है ना ये भी देखो ऐसी फंगस है और इससे आपको क्या पता लग रहा है दैट इट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट कि प्लांट को होस्ट की तरह एकदम खा जाती हैं डिजीज कॉज करती हैं जैसे कि मस्टर्ड में डिजीज कॉज कर रही थी और इसके साथ में आ गई अपनी दूसरी क्लास पर जिसका नाम क्या है जिसका नाम है एस्कोमाइसिटीज क्लास क्या नाम है एस्कोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज की बात करूं तो मैंने बोला के अंदर जो वर्ड है एस्कस उसका मतलब होता है सैक। जो वर्ड है बेटा माइसिटीज उसका मतलब होता है फंजाए इसका मतलब मैम ये तो हो गई सैक फंजाए मैम सैक कैसा दिखता है ऐसा सैक दिखता है सैक के अंदर ये जो मैंने स्पोर्स बनाए ये एस्को स्पोर्स। इसका मतलब आपको इसमें ऐसा एक सैक जैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा इसके जो अंदर स्पोर्स हैं, इनका नाम है एस्को स्पोर्स बहुत सारे एस्कस मिलकर एक फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं क्या बनाते हैं एक फ्रूटिंग बॉडी जिसका नाम होता है एस्को कार्प क्योंकि कार्प का मतलब फ्रूट एस्को का मतलब सैक जैसा स्ट्रक्चर तो इतना समझ लिए कि इस क्लास में जो फ्रूटिंग बॉडी बनेगी उसका नाम एस्कोकार्प एस्कोकार्प में बहुत सारे एस्कस एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स जो कि कैसे स्पोर्स हैं एंडोजिनस, मतलब कि वो किसी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है किसी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट इंट्रोडक्शन हो गई एस्कोमाइसिटीज की बेटा इसके अलावा यहाँ पर आपको मल्टीसेल्यूलर फंगस मिलेंगी मोस्टली मल्टीसेल्यूलर फंगस बट एक एक्सेप्शन रहेगा किसका ईस्ट का ईस्ट का विच इज वॉट यूनिसेल्यूलर सो यू शुड नो दैट ईस्ट बिलोंग्स टू हियर ईस्ट बिलोंग्स टू एस्कोमाइसिटीज क्लास इसके साथ हम आ जाते हैं अपने रेगुलर पॉइंटर्स पर मैम पहला पॉइंटर क्या रहता था इट वॉज न्यूट्रिशन दूसरा पॉइंटर मेरा रहता है माइसीलियम तीसरा पॉइंटर रहता है मेरा रिप्रोडक्शन और चौथा पॉइंटर रहता है मेरा एग्जाम्पल्स अभी तक हम ऐसा ही करते आ रहे हैं और ऐसा ही कर कर दो मिनट में करते हैं एस्को को खत्म दो मिनट में करते हैं एस्को को हम लोग खत्म ऑरेंज इंक से कर रहे थे ना पहले तो ऑरेंज इंक से करते हैं चलो बेटा इसके न्यूट्रिशन में

अगर मैं माइसीलियम की बात करूं माइसीलियम मेरी सेप्टेट रहेगी मतलब क्रॉस वॉल्स हैं सेप्टेट के साथ क्या रहेगी ब्रांचिंग रहेगी नॉर्मल ब्रांच माइसीलियम रिप्रोडक्शन की बात करू तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स का नाम रहता है कोनीडिया कोनीडिया जो कि किस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं चेन की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं सपोज कीजिए अगर मैं आपके लिए ड्रॉ करूं तो मैं कुछ एक ऐसा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूं देखिए आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरे कोनीडिया कैसे नजर आएंगे कोनिडिया ऐसे एक प्रॉपर चेन में प्रेजेंट होंगे देयर विल बी अ चेन ऑफ कोनिडिया देख रहे हो लाइक दिस देयर विल बी अ चेन ऑफ कोनिडिया लाइक दिस ठीक है तो ये कोनिडिया है बेटा जहां पर कोनिडिया को अच्छा सरफेस मिलेगा मॉइस्चर मिलेगा वो जर्मिनेट करके मेरा हाइफा बना देगा क्या बना देगा हाइफा इसके बाद अगर मैं आऊं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल तो रिप्रोडक्शन के स्पोर्स का नाम क्या है एस्कोस्पोर्स? एस्कोस्पोर्स आर प्रेजेंट इनसाइड एस्कस। एस्कस उस सैक जैसे स्ट्रक्चर को बोला एस्कस कर ऑर्गेनाइज कर आपको पता है ऑलरेडी मैंने बताया रिपीट कर रही हूं एक फ्रूटिंग बॉडी बना देंगे जिसका नाम है एस्कोकार्प, जिसका नाम है एस्कोकार्प अब अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल्स की बेटा किस चीज की बात करूं इसके एग्जाम्पल्स लेट्स राइट देम इन ब्लू इसके एग्जाम्पल्स में आपका आ जाता है एस्परजिलस एस्परजिलस क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा मोरल्स और ट्रफल्स साइंटिफिक नेम नहीं है इसीलिए मैं उन्हें अंडरलाइन नहीं कर रही यहां पर जो आप एस्परजिलस देख रहे हो इसको हम बोलते हैं वीड ऑफ लैबोरेटरी क्या बुलाते हैं इसे बेटा वीड ऑफ लैबोरेटरी क्लेविसेप्स बेटा डिजीज कॉज करती है उस डिजीज के सिम्टम को हम अर्गोट बोलते हैं राई के अंदर राई के अंदर अर्गोट ऑफ राई कॉज करती है न्यूरोस्पोरा को हम बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम क्या बुलाते हैं इसे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम क्यों क्यों बेटा क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा जेनेटिक रिसर्च होती है

इसीलिए न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं मेरे एग्जांपल्स हो गए इसके एस्परजिलस क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा मोरेल्स ट्रफल्स इसके अलावा बेटा पेनीसीलियम भी इसी के अंदर आता है और ईस्ट तो आपको ऑलरेडी पता है कि इसके अंदर आता है तो ये हो जाते हैं मेरे एग्जाम्पल्स किसके एस्कोमाइसिटीज के इसके साथ हमने एस्कोमाइसिटीज फिनिश कर लिया एक बार वील गो थ्रू एस्कोमाइसिटीज मैंने बोला एस्कस का मतलब है सैक माइसिटीज का मतलब फंजाए ये सैक फंजाए है सैक ऐसा दिखता है उसके अंदर स्पोर्स बहुत सारे एस्कस मिलके फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे जिसका नाम एस्कोकार्प इसके अंदर मल्टीसेल्यूलर फंगस आती है एक एक्सेप्शन ईस्ट का न्यूट्रिशन डीकंपोजर सेप्रोटर ऑफ पैरासाइट नई चीज कॉप्रोफिलस फंगस मिलती हैं जो डंग पर ग्रो करती हैं माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल कोनिडिया के थ्रू जो कि ऐसे चेन में प्रेजेंट रहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर्स इन द एस्कस फॉर्मिंग एस्कोकार्प व्हिच इज द फ्रूटिंग बॉडी एग्जांपल्स एस्परजिलस क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा

ये एक मेंबर ये दूसरा मेंबर वगैरह ये उसकी माइसीयम दिखा दी उन्होंने हाइफ़े दिखा दिया नजर आते हैं फिर मैं किस पर आ गई बेटा मैम आप तो बेसिडियो पर आ गए तो चलो बेसिडियो की बात करके इसको खत्म करते हैं बेसिडियो में जो वर्ड बेसिडियम है उसका मतलब है क्लब उसका मतलब क्या है क्लब और माइसिटीज का मतलब रहता है बिटा, फंजाए फंजाए क्या रहता है फंजाए? तो मैंने इनको बोल दिया कि ये क्या है क्लब फंजाए क्लब फंजाए बोले तो कि एक बैट जैसा क्लब जैसा स्ट्रक्चर रहेगा जिसके बाहर कुछ स्पोर्स हैं जिनको मैंने बोला बेसिडियो स्पोर्स क्या बोला बेसिडियो ये बैट जैसा स्ट्रक्चर है क्लब जैसा इसको क्या बोला बेसिडियम आई मस्ट नो कि ये जो बेसिडियो है, है मतलब ये किसी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है ये बाहर प्रेजेंट है और इसके अंदर जो मेरी फ्रूटिंग बॉडी बनेगी उसका नाम क्या रहेगा अब ये बेसिडियो माइसिटीज है तो बेसिडियोकार्प रहेगा यहां पर मेरी फ्रूटिंग बॉडी का नाम बॉडी का नाम क्या रहेगा बेसीडियो कार्प रहेगा अब चलो मैम जैसे हमने पहले किया था चार पॉइंट्स लिख देते हैं पहला पॉइंट मैंने लिखा अक्रेंस का दूसरा पॉइंट लिखा मैंने माइसीलियम का तीसरा पॉइंट मैंने लिखा रिप्रोडक्शन का चौथा पॉइंट मैंने लिखा मैम फिर से एग्जाम्पल्स का जिससे हम इस फंगस को कर देंगे खत्म जिससे हम इस फंगस को कर देंगे खत्म ठीक है बेटा इसकी अकरेंस कहाँ है ये आपको ट्री लॉग पर मिल जाएगी मॉइस्ट वुड पर मिल जाएगी कोई भी वुडन स्टंप पड़ा है वहां मिल जाएगी ठीक है बस वो मॉइस्ट होना चाहिए थोड़ा सा मॉइस्चर प्रेजेंट हो तो आपकी बेसिडियोमाइसिटीज आराम से ग्रो कर जाती हैं माइसीलियम सब चीजों की तरह बाकी सब क्लासेस की तरह सेप्टेट और ब्रांच्ड है क्या है सेप्टेट और ब्रांच्ड रिप्रोडक्शन इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा रिप्रोडक्शन इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जब मैंने बोला कि यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है तो वो तो मैंने माना कि वो फ्रेगमेंटेशन से हो जाएगी चलो किससे हो जाएगी फ्रेगमेंटेशन से लेकिन अगर मैंने बात की ए सेक्जुअल रिप्रोडक्शन की तो याद रखना कि ए सेक्जुअल स्पोर्स ए सेक्जुअल स्पोर्स आर एबसेंट हियर दे आर एबसेंट हियर याद रखना इसे एक और विचित्र सी चीज अगर मैं सेक्स ऑर्गन्स की बात करूं क्स ऑर्गन्स आर ऑल्सो एबसेंट हियर सेक्स ऑर्गन्स भी एबसेंट है तो भाई यहां पर होगा क्या फिर बेटा यहां पर प्लाज्मोगेमी तो होगी बट वेजिटेटिव हाइफे की प्लाज्मोगेमी होगी वेजिटेटिव हाइफे की जब प्लाज्मोगेमी हुई आप समझो प्लाज्मोगेमी हुई तो आपको क्या मिलता है

बेसिडियम में मीओसिस होने से बेसिडियोस्पोर्स और बहुत सारे बेसिडियम मिलके क्या बना देते हैं आपको पता है फ्रूटिंग बॉडी जिसको मैं बोलती हूं बेसिडियोकार्प इसका मतलब बेटा आप जो मशरूम खाते हो आप जो मशरूम खाते हो वो एक्चुअली इसका बेसिडियोकार्प है वो एक्चुअली इसकी फ्रूटिंग बॉडी है चाहे है इसकी फ्रूटिंग बॉडी एक और चीज याद रखो कि ये यही फंगस है जो कि बहुत सारे प्लांट में डिजीज कॉज करती है जैसे कि अगर रस्ट कॉज करना है या एक और डिजीज कंडीशन है जिसे मैं बोलती स्मट स्मट तो रस्ट और बेसिडियोमाइसिटीज ही करती है फर्स्ट स्लाइड में याद है फंगस की पक्सीनिया लिखा था वो पक्सीनिया रस्ट कॉज करती है इट बिलोंग्स टू हियर इट बिलोंग्स टू हियर अब मैं ऐसे बोल रही हूँ तो मैम एग्जाम्पल्स ही बता दो तो चलो बेटा इसके एग्जाम्पल्स में क्या आ जाता है मेरे पास देखो मैं किस चीज़ के एग्जाम्पल्स की बात कर रही हूँ जल्दी से बताओ मेरे को मैं बात कर रही हूं अपने बेसिडियो के एग्जाम्पल्स की तो देखिए मैंने बीपीए लिखा आपके लिए बी से क्या है बी से है ब्रैकेट फंजाए या ब्रैकेट फंगस पी से हो जाएगा मेरे कॉमन नेम्स है पफ बॉल्स इसीलिए मैं अंडरलाइन नहीं कर रही तीसरा आया साइंटिफिक नेम मेरा और आपका फेवरेट अगेरेक्स जिसका मतलब है मैं बात कर रही हूं मशरूम की उसके अलावा स्मट कॉज करने वाली फंगस यूस्टी लागो, क्या कॉज करती है यूस्टी लागो, स्मट वाले सिम्टम्स और एक रह गया मेरा पक्सीनिया ये कौन से सिम्टम्स कॉज करती है ये कॉज करती है रस्ट के सिम्टम्स तो एग्जाम्पल्स क्या हो गए बेटा देखो जरा यहाँ पर ब्रैकेट फंगस पफबॉल अगारिकस यूस्टी लैगो पक्सीनिया ये लोग दिखते कैसे हैं देखो ऐसे दिखते हैं अलग अलग मशरूम की कैटेगरी में अगारिकस की कैटेगरी में समझ आ रहा है बेटा मशरूम के भी अलग अलग टाइप होते हैं अगारिकस ब्रूनसेंस और एक शटाकी मशरूम होता है काफी सारे मशरूम्स होते हैं कुछ कुछ ऐसे डिफॉर्म से नजर आते हैं और देखो जब ये लीफ के ऊपर डिजीज कॉज कर रहे हैं स्मट या रस्ट कॉज कर रहे हैं तो ये इन्होंने डिजीज कंडीशन यहां पर दिखाई है लास्ट एग्जाम्पल में जिसके साथ हम शांति से आ जाते हैं फंगस को खत्म करने के लिए पर. किस पर पर? समझो कि हम को बोलते हैं पंजा इम परफेक्ट आए या फिर प्यार से और क्या बोल दू इम फंगस क्या बोल दू मैं इन्हें इम्परफेक्ट फंगस इम्परफेक्ट फंगस बोले तो यहां या तो सेक्सुअल स्टेज इनकी लाइफ साइकिल में एबसेंट है या फिर इट इज नॉट डिस्कवर्ड इम्परफेक्ट फंगस क्यों बोला क्योंकि इन फंगस की लाइफ साइकिल में या तो सेक्सुअल स्टेज एबसेंट है या फिर अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है इसीलिए मैं इनको बोलती हूँ फंगस इम्परफेक्ट आए इसके अंदर भी हम क्या लिखेंगे जनरल अपने चार पॉइंट्स और खत्म करते हैं दो मिनट में ये लो न्यूट्रिशन माइसीलियम अगला पॉइंट क्या आता था, था हमारा रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल तो रिप्रोडक्शन यहां पर है नहीं वो तो मुझे ऑलरेडी पता है और लास्ट में आ जाएंगे मेरे एग्जाम्पल्स जिसके साथ मैं कर सकती हूं इसे बिल्कुल स्वाहा बिल्कुल खत्म अब न्यूट्रिशन देखिए बेटा यहां पर आपको डीकम्पोजर मिलेंगे मिलेंगे और एज यूज़ुअल पैरासाइट्स मिलेंगे पैरासाइट्स मिलेंगे बट यहां पर विचित्र पॉइंट ये है कि ये लोग डीकम्पोज करके मिनरल रिसाइकलिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिफरेंट पॉइंट ये लोग मिनरल रिसाइकलिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर मिनरल रिसाइकलिंग की बात हो तो बाकी सारी फंगस भी करती हैं बट इनका मेजर रोल है एज यूजल मेरे बाकी माइसीलियम्स की तरह एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट क्लास इनकी माइसिलियम भी सेप्टेट और कैसी है ब्रांच है रिप्रोडक्शन सेक्जुअल तो एबसेंट है एसेक् रिप्रोडक्शन में कौन से स्पोर्स बनते हैं जो कि एस्को में बने थे ध्यान रखना कोनीडिया बने हैं यहां पर वो मुझे पता है और अगर मैं लिख दू कि मैं सेक्जुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूं आई ऑलरेडी नो दैट इट इज एबसेंट हियर इट इज एबसेंट हियर मैम एग्जाम्पल्स बता दो बेटा एग्जाम्पल्स में आ जाएगा आपका ट्राइकोडर्मा दूसरा आ जाएगा ऑल्टरनेरिया तीसरा आ जाएगा कोलेटो ट्राइकम ये कोलेटो ट्राइकम है जो कि कॉज करता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन कभी आप गन्ना खा रहे हो बेटा अगर मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा कि कभी कभी ना हम गन्ना खा रहे होते हैं शुगर केन तो खाते खाते आप देखते हो कि उसके अंदर ना ऐसे रेड रेड कलर की हैं, रेड रेड कलर की लाइंस हैं। तो आपने सोचा है कि वो डिजीज कंडीशन है या रेड कलर आया कहा से और डिजीज कंडीशन है तो बैक्टीरियल डिजीज है फंगल है कोई वायरस है क्या है तो ये सुनो आज की वो एक्चुअली एक फंगल डिजीज है फंगस की कौन सी क्लास कॉज करती है

इसके साथ हमने कर लिया है अपना ड्यूटेरोमाइसिटीज़ एकदम खत्म क्या कर लिया हमने एकदम और ये है मेरे कुछ के बिटा। ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स आपको भी नजर आ रही है ड्यूटेरोमाइसिटीज के थ्रू हमारा टॉपिक हो गया है खत्म आई होप आपको कोई डाउट्स नहीं है डाउट्स हैं तो बेटा प्लीज पिंग मी ऑन द टेलीग्राम चैनल चैनल आई एम देयर जिसके साथ हम आ जाते हैं अपने आखिरी टॉपिक पर इस चैप्टर के विच इज वायरस वायरॉइड प्रियोन और लाइकन लिटरली चार टॉपिक्स दिख रहे हैं चार स्लाइड्स भी नहीं है पूरी वील फास्टली फास्टली कवर इट क्योंकि हमने प्रॉमिस किया कि हम वन शॉट कर रहे हैं तो इट हैज टू बी वन शॉट द शॉर्टेस्ट फॉर्म इन विच हम अपने चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से कंसाइजली प्रिसाइजली बढ़िया से कर पाए कि वी आर नॉट लूजिंग मार्क्स एनी NCERT बेस्ड प्रसाइजली माइंड मैप के थ्रू इसके बाद ये इसके बाद ये इसके बाद ये तो ऐसा ही होना चाहिए हमारा लेक्चर जिसके साथ हम डिस्कस करते हैं और बात करते हैं वायरस के स्ट्रक्चर की किसकी बात करेंगे जल्दी बोलो वायरस के स्ट्रक्चर की तो मैं वायरसेस की बात करती हूं अगर तो हमें पता है बेटा कि अगर मैंने बात की वायरसेस की तो ये बहुत ही विचित्र प्राणी है और हम इन्हें प्राणी भी नहीं बोल सकते क्यों बिकॉज वायरसेज आर कंसिडर्ड एज नीदर लिविंग नॉर डेड है ना मैं क्या बोलूं कि वायरसेज एक्चुअली ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर हैं दे आर नीदर लिविंग नॉर डेड दे आर नीदर लिविंग नॉर डेड इसका मतलब उटसाइड द होस्ट ऐसा क्यों द हो लिविंग एंटिटीज उसके बाद जब वो होस्ट के अंदर एंटर करते हैं देन इट यूजेज इट्स सेल मशीनरी किसकी सेल मशीनरी होस्ट की सेल मशीनरी का यूज use करेंगे यूजेज इट सेल मशीनरी टू रेप्लीकेट अपनी कॉपी बनाने के लिए होस्ट की सेल मशीनरी का यूज करेंगे इसीलिए हम वायरसेस को ना लिविंग बोल सकते हैं ना हम डेड बोल सकते हैं बट वी डू कॉल इट एज कि वायरसेस आर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स इनर्ट बोले तो इनएक्टिव दे आर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स अगर मैं वायरसेस की बात करूं तो अब अगर मैं बात करूं आप सोचो कि मेरे पास बेटा एक वायरस है क्या है वायरस तो वायरस एक्चुअली न्यूक्लियो प्रोटीन है न्यूक्लियो प्रोटीन बोले तो दो चीजों से मिलकर बना है दो चीजों से मिलकर बना है एक चीज को बोला मैंने न्यूक्लिक एसिड और दूसरी चीज को बोला प्रोटीन और ये प्रोटीन का एक्चुअली एक कोट प्रेजेंट था जिसका नाम है कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है नेवर बोथ ऑफ देम दोनों साथ में नहीं या फिर डीएनए या फिर आरएनए मेरा वायरस का जेनेटिक मटेरियल हो सकता है इट कैन बी सिंगल स्ट्रांडेड इट कैन बी डबल स्ट्रांडेड प्रोटीन कोट को क्या बोला कैप्सिड बोला प्रोटीन कोट को क्या बोला कैप्सिड तो सपोज कीजिए कि ये मेरे वायरस का जेनेटिक मटीरियल है तो जेनेटिक मटीरियल को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके बाहर क्या रहता है प्रोटीन कोट रहता है जिसको मैंने कैप्सिड बोल दिया बेटा ये जो कैप्सिड है ये कुछ कुछ सब यूनिट्स से बना है जिनका नाम है कैप्सोमियर्स उन सब यूनिट का नाम क्या है कैप्सोमियर्स बेटा कैप्सोमियर्स अलग अलग अरेंजमेंट दिखा सकते हैं हेलिकल दिखा सकते हैं ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट दिखा सकते हैं स्पाइरल अरेंजमेंट तो कैप्सोमियर्स अलग अलग तरीके से अरेंज होकर कैप्सिड बना सकते हैं बट मेरे वायरस के स्ट्रक्चर में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन ये दो चीजें ही मिलेंगी अगर मैं आपसे बात करूं कि कुछ वायरसेस जो एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं तो वो क्या है और वायरसेस अगर प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं तो वो क्या है तो उसकी बात कर लेते हैं बेटा एनिमल में आपने सुना होगा कि वायरस मम्प्स कर सकते हैं और क्या डिजीजेस सुने हैं बताओ बहुत सारे हैं इन्फ्लुएंजा कर सकते हैं स्मॉल पॉक्स सुना होगा आपने या फिर कॉमन कोल्ड बेटा राइनो करता है कॉमन कोल्ड या फिर आपने एड्स सुना है या फिर मैं बोलूं कि अब तो कोविड भी आ गया है कोविड कोरोना वायरस जो जिसने कोविड कॉल किया था तो बहुत सारे डिजीजेस हैं एनिमल्स के अंदर प्लांट के अंदर क्या हो सकता है बेटा बेटा एक पैची डिजीज जिसे मैंने बोला मोजाइक फॉर्मेशन प्लांट में ना यूजुअली हम सिम्टम्स डिस्क्राइब करते हैं एंड नॉट अ प्रॉपर डिजीज जैसे मम्स इन्फ्लुएंजा स्मॉल पॉक्स तो मैंने बोला मोजाइक फॉर्मेशन देख सकते हैं लीफ रोल हो रही है लीफ रोलिंग लीफ करलिंग ठीक है या फिर मैं बोल कि कि ग्रीन से येलो पड़ रही है लीफ मैंने बोल दिया येलोइंग ऑफ लीफ या फिर मैंने क्या बोला वेन क्लियरिंग मतलब जहां पर वेन्स में ग्रीन ग्रीन कलर था वो व्हाइट हो गई है क्लोरोफिल का लॉस हो गया है वेन क्लियरिंग मेरा प्लांट छोटा ड्रॉ छोटा ग्रो कर रहा है या फिर स्टंटेड ग्रोथ ग्रोथ जिसका सेम मतलब है है कि ग्रोथ पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये हो गए मेरे प्लांट और एनिमल में वायरल डिजीजेस या फिर प्लांट में बात करूं कि सिम्टम्स कि वायरसेस ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है नीदर लिविंग नॉर डेड होस्ट के बाहर नॉन लिविंग होस्ट के अंदर जाएंगे होस्ट की यानी कि सपोज मेरे अंदर गए तो मेरी सेल मशीनरी को यूज करेंगे अपने नंबर को प्लांट के अंदर जो जो डिजीजेस होते हैं वो हमने देख लिए हैं अब मैं आ गई देखो बेटा वायरस और उसकी डिस्कवरी इसमें उस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे बनते हैं सवाल तो मेरे को इसके लिए तीन ईयर याद करने हैं नाइनटी 1898 और 1935. अब हमें देखना है कि इन तीन डेट्स पर क्या विचित्र विचित्र चीजें हुई एक वायरस की जिंदगी में तो जब मैं 1892 की बात करती हूँ तो मैं बात करती हूँ अपने पहले साइंटिस्ट की जिनका नाम है डीमित्री इवानोस्की क्या नाम है उनका डीमित्री इवानोस्की 1898 की बात करूंगी तो मैं बात करूंगी एम डब्ल्यू बीजर की 1935 की बात करूंगी तो मैं बात करूंगी डब्ल्यू एम स्टैनली की ताकि आप ये चीजें एकदम ही ना भूलें ताकि आप ये चीजें एकदम ही ना भूलें ये समझिए कि वायरस वर्ड वेनम से आया जिसका मतलब है एक तरीके का पॉइजनस फ्लूड वायरस वर्ड वेनम से आया जिसका मतलब है एक तरह का पॉइजनस फ्लूड तो 1892 में डी मित्री इवेनोस्की ने क्या देखा कि टोबैको यानी कि तंबाकू बोलते हैं हम जिसे टोबैको प्लांट के अंदर एक डिजीज हो रहा है जिसको बोला गया टोबैको मोजाइक डिजीज जिसको क्या बोला गया टोबैको मोजाइक डिजीज उन्होंने देखा कि ये डिजीज एक माइक्रोब की वजह से हुआ जिसका जो साइज है स्मॉलर देन अ बैक्टीरिया जिसका साइज किससे छोटा है बेटा साइज जिसका साइज एक बैक्टीरिया से छोटा कोई स्ट्रक्चर है जो कि टोबैको प्लांट में टोबैको मोजाइक डिजीज कॉज कर रहा है वहीं पर ये जो मेरे एमडब्ल्यू बीजर जी हैं इन्होंने बोला ये लो मैं एक और एक्सपेरिमेंट करता हूं इन्होंने लिया, एक टबैको प्लांट ये वो टबैको प्लांट है जो कि थोड़ा बहुत डिजीज है कैसा टोबैको प्लांट लिया बेटा इन्होंने एक डिजीज टोबैको प्लांट लिया और इन्होंने साथ में एक हेल्दी टोबैको प्लांट लिया साथ में क्या लिया इन्होंने क्या लिया बेटा इन्होंने एक हेल्दी टबेको प्लांट लिया फिर इन्होंने क्या किया कि इसका डिजीज पार्ट लिया इसकी चटनी बनाई इंजेक्शन में भरी और उसे हेल्दी प्लांट को ट्रांसमिट कर दिया इंजेक्ट कर दिया डिजीज पार्ट को हेल्दी प्लांट में और उसके बाद क्या देखा कि ये जो हेल्दी प्लांट था इसको भी क्या हो गया हेल्दी प्लांट को भी क्या हो गया इसको भी डिजीज हो गया इसको भी डिजीज हो गया तो इन्होंने बोला कि मैंने कुछ फ्लूड का ट्रांसफर किया उस फ्लूड को इन्होंने बोला कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम बोले तो लिविंग इन्फेक्शियस या फिर उल्टा बोल देते हैं इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड क्या बोल दू क्योंकि कॉन्टेजियम का मतलब कॉन्टेजियस है दिस इज इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड जिसने कि एक डिजीज प्लांट से हेल्दी प्लांट में डिजीज को कर दिया ट्रांसमिट ये किया एम डब्ल्यू ने फिर आई डब्ल्यू जी जिन्होंने सिंपली क्रिस्टलाइज करके दिखाया वायरस को क्रिस्टलाइज द वायरस इन टू पार्टिकल्स जैसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं ना बेटा वैसे ही इन्होंने वायरस का नॉन लिविंग नेचर समझाया और वायरस को क्रिस्टलाइज कर दिया ऑल्सो सेड ऑल्सो सेड दैट वायरस मोस्टली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन वायरस मोस्टली कंसिस्ट ऑफ कि मेरे वायरस के स्ट्रक्चर में मोस्टली पार्ट क्या है Protein है प्रोटीन ये भी बोला स्टैनली जी ने तो याद रखना बेटा ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईयर्स आ जाते हैं इनको हमने सीक्वेंस में लिखा है ईयर्स और मोस्टली आते हैं ये कि इन लोगों ने क्या क्या, क्या किया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम किसने बोला MW ने, एक बार रिवाइज करते हैं चलो देखो ये मेरी वायरस की डिस्कवरीज है आपके आगे अगर आपको कोई बोले कि टोबैको मोजाइक प्लांट के अंदर किसने देखा कि कुछ डिजीज कॉज हो रहा है सबसे पहले की कब कब देखा 1892 में, कब देखा 1892 1892 में में उसके बाद कॉन्टेजियम वाइवम कॉन्टेजियमुडम किसने बोला एमडब्ल्यू बीजर इंक ने एक अफेक्टेड टोबैको प्लांट जिसमें डिजीज है उससे एक फ्लूड ट्रांसफर किया हेल्दी के अंदर और क्या देखा हेल्दी प्लांट भी डिजीज हो रहा है बोला कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूडम की कोई इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड है जिसकी वजह से हेल्दी प्लांट में भी हो गया डिजीज 1935 में डब्ल्यू एम स्टैंडली ने क्या किया वायरस को क्रिस्टलाइज किया नॉन लिविंग नेचर बताया और बोला कि एक वायरस के अंदर मैक्सिमम क्या प्रेजेंट है प्रोटीन प्रेजेंट है जिसके साथ हो गए हमारे वायरस के सारे डिस्कवरीज खत्म वायरस के सारे डिस्कवरीज खत्म जिसके साथ आ गए हैं हम अगले टॉपिक में जिसका नाम क्या है बेटा वायरॉइड जल्दी से खत्म करते हैं अब ये जो वायरॉइड टर्म है ये 1971 में दी एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है टी ओ डाइनर जिनका नाम क्या है टी ओ डाइनर बेटा अगर आप समझ पाओ अगर आप समझ पाओ तो ये जो वर्ड है वायरोड इसके अंदर ना मैंने एक वर्ड ढूंढ लिया है खुद से डिवॉइड वायरॉइड वायरस डिवॉइड ऑफ समथिंग डिइड बोले तो कि कुछ ना कुछ एबसेंट है वायरस के अंदर तो तुम सोचो कि अगर मैं बात कर रही हूं एक इंफेक्शियस आर की इसकी बात कर रही हूं सिर्फ जेनेटिक मटेरियल इंफेक्शियस आर एन ए एनी प्रोटीन कोट इन्फेक्शियस आर एन ए विदाउट एनी प्रोटीन कोट तो मैं उसको क्या बोलूंगी वायरॉइड मतलब एक तरीके से वायरोइड वायरस डिवॉइड ऑफ द कोट और द कैप्सिड वो होता है मेरा वायरोइड बेटा अब ये जो वायरोइड है ये इतना तो आपको समझ आ गया कि ये इन्फेक्शियस है इन्फेक्शियस बोले तो ये क्या कॉज करेगा डिजीज कॉज करेगा क्या कॉज करेगा डिजीज कौन सा डिजीज डिजीज का नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज क्या नाम है बेटा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज पी एस टी डी पी एस टी डी और कौन कॉज करता है पी एस टी वी वी से मतलब वायरस पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस तो इसमें होता क्या है कि जो मेरे आलू की आलू कचालू की शेप इतनी प्यारी सी ऐसे होती है वो ना बदल के ऐसी स्पिंडल शेप सी हो जाती है डीफॉर्म हो जाती है शेप ये होता है मेरे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज के अंदर अब आप ये सोचो कि जब ये फ्री आ रहे हैं तो ऑब्वियसली जो इसका साइज है वो वायरस से क्या होगा छोटा होगा जब एक कोट है ही नहीं तो इसका साइज क्या होगा वायरस से छोटा होगा एंड इट विल बी लो मोलिक्यूलर वेट स्ट्रक्चर वॉट विल इट बी एवरी वन इट विल बी अ लो अलिक्यूलर वेट स्ट्रक्चर क्लियर है बेटा तो इसके साथ हमने वायरॉइड को देखा 1971 में टीओ डाइनर ने इसकी डिस्कवरी की वायरॉइड बोले तो पार्टिकल जो कि डिजीजेस कौन सा डिजीज डिजीज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, इसका एक इन्फेक्शन है साइज इसका वायरस से छोटा है मोलिक्यूलर वेट कम है जिसके साथ हम आ गए प्रियोन पर अब बेटा आपको प्रियोन में टी आर वर्ड समझ आ रहा है पी आर वर्ड से मुझे समझ आता है कि कुछ प्रोटीन से रिलेटेड है क्या है कुछ प्रोटीन से रिलेटेड तो आपको पता है कि बेटा प्रोटीन कुछ पॉलीपेप्टाइड चेन से बनती है सपोज करो मैंने एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई मैंने दो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई सपोज करो मैंने तीन पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई मैंने चार पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई तो मैंने क्या किया मेरी पॉलीपेप्टाइड चेन्स को एबनॉर्मली फोल्ड कर दिया तो एक्चुअली एक्चुअली अगर मैं बात करूं प्रियोन्स की सो दे आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स ओनली दैट आर इन्फेक्शियस कुछ इन्फेक्शियस एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन को ही हम क्या बोलते हैं प्रियॉन बोलते हैं एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं बेटा प्रियॉन बोलते हैं जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दू और एक तो देखिए कि जो प्रियोन है बेटा उसका साइज इज सिमिलर टू वायरस ये भी लिख लो इम्पॉर्टेंट है प्रियोन्स का साइज इज सिमिलर टू वायरस इसका साइज किससे सिमिलर है वायरस के सिमिलर है अब जानने की चीज ये है कि ये जो डिजीजेस कॉज करता है वो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हैं क्या डिजीज कॉज करता है न्यूरोलॉजिकल डिजीज जो कि किसको अफेक्ट करेंगी न्यूरॉन्स को अफेक्ट करेंगी किसको अफेक्ट करेंगी neurons को न्यूरॉन्स डिजेनरेट हो जाते हैं डिजीज का नाम कैटल के अंदर बेटा जैसे गाय भैंस वगैरह में डिजीज होता है उस डिजीज का नाम है बोवाइन फॉर्म एनसेफेलोपैथी बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी जिसे मैं प्यार से बी एस तो बुलाती ही हूं साथ में बुलाती हूँ काउ डिजीज साथ में क्या बुलाती हूँ मैड काउ डिजीज क्योंकि न्यूरॉन्स डिजेनरेट करने की होने की वजह से इनके मेंटल स्टेबिलिटी पे अफेक्ट पड़ता है बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म मतलब मैं आपके ब्रेन के रीजन की बात कर रही हूँ वो स्पॉन्जी होता है बोवाइन का मतलब ही साइंस में कैटल होता है बेटा बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन सेफेलोपैथी जिसे मैड काउ डिजीज़ भी बोलते हैं और इसी का जो एनालॉगस डिजीज इसी का एनालॉगस डिजीज जो ह्यूम में होता है उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे सी आर जेकॉब डिजीज क्या बोलते हैं उसे सी आर जेकॉब डिजीज ऑन द नेम ऑफ अ पर्सन क्रूज फेल्ड जेकॉब डिजीज तो ये कैटल के अंदर और ये ह्यूमन बींग्स के अंदर

अब मुझे पता है कि जब मैं लाइकन की बात कर रही हूं तो ये एक टाइप का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है क्या है बेटा एक टाइप का सिम्बायोटिक एसोसिएशन सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोले तो प्लस प्लस एसोसिएशन जिसमें दोनों मेंबर्स को फायदा हो तो अब मेरे लाइकन के दो मेंबर क्या हैं? इतना याद रखना कि अभी तक हमने जो भी वायरस वायरोइड, प्रियोन, लाइकन कुछ भी पड़ा है दे हैव नो प्लेस इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम उनकी मेरे क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर कोई जगह नहीं है अब आप बोलोगे क्यों बेटा अब ये देखो कि लाइकन दो चीजों से मिलकर बना एक अलगे से और एक फंगस से एल्गे का अलग किंगडम फंगस का अलग किंगडम तो ये तो, तो कॉम्पोजिट किस, तो ऑर्गेनिज्म अब मुझे इतना भी पता है कि ये जो एल्गे है ये प्रोड्यूस करेगा खाना तो इस एल्गे को मैं क्या बोल देती हूँ इसको मैं बोलती हूँ फाइको बायोट पार्टनर फाइको बोले तो एल्गे फंगस को मैं बोल देती हूँ माइकोबायोंट माइको बोले तो फंगस माइको बोले तो फंगस तो अब मेरा एलगे क्या प्रोड्यूस करेगा खाना प्रोड्यूस करेगा और किसे देगा फंगस को देगा ठीक है फंगस ओ आई एम वेरी सॉरी ठीक है तो अब अगर मैं बात करूं मेरे फंगस की तो फंगस क्या देगा एलगे को बेटा एक तो शेल्टर देगा और एक फंगस के जो फिलामेंट्स होते हैं हाइफे ट विल हेल्प टू एब्सॉर्ब न्यूट्रीएंट जैसे कि नाइट्रोजन सल्फर फॉस्फेट रिलेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम डीप सॉइल लेयर्स फ्रॉम डीप सॉइल लेयर्स क्योंकि बेटा जो फंगस है ना वो हाइफे की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हाइफे बहुत ज्यादा अंदर तक जा सकते हैं सॉइल के अंदर तो जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स खुद रेडिली नहीं ले सकते तो फंगस उन्हें वो अपने हाइफे की हेल्प से प्रोवाइड कराते हैं तो एल्गे को न्यूट्रिएंट्स मिल गए फायदा हो गया फंगस को खाना मिल गया फायदा हो गया इसीलिए तो इसे बोलते हैं प्लस प्लस एसोसिएशन क्या बोलते हैं बेटा इसे हम बोलते हैं प्लस प्लस एसोसिएशन बेटा इतना भी याद रखो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो मेरे लाइकंस हैं दे आर

पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं मेरे लाइक इसीलिए आपको दिल्ली में जहां बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है वहां आपको लाइक का नामो निशान दिखना बहुत ही मुश्किल है आई होप एवरी वन दैट लाइकन मेड गुड सेंस फॉर यू आई होप लाइकन मेड गुड गुड सेंस फॉर यू इसके साथ हमने कर लिया है अपना चैलेंज कंप्लीट और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पूरा चैप्टर हो गया है खत्म क्लास ओवर स्टेप्स हमारे पुराने हैं हम पहले हमने नोट्स तो पढ़ ली हैं क्लास के साथ साथ बना भी लिए हैं नोट्स अब हम इसको एनसीआर से रिवाइज करेंगे कि NCRT में सब यही लिखा है, सेम लिखा है 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 सेम बढ़िया लग रहा है, रहा रिवाइज हो फिर से उसके बाद हम तत्व यूज कर सकते हैं फ्लैश कार्ड यूज यूज कर सकते हैं और हमारी सीरीज तो है ही बेटा आपके मिड टर्म एग्जाम्स के लिए या नीट पीडिया भी है ट्वेल्थ के लिए तो आप क्या कर सकते हो उससे क्वेश्चन सॉल्व करो जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा एप्लीकेशन आएगा बेटा क्वेश्चन का तो इसी चीज को पढ़ना रीड करना एक चीज है और सवाल सॉल्व करना एकदम अलग है इस चीज को अपने दिमाग में बिठाओ किसी भी चीज को पढ़ना एक चीज और उसके क्वेश्चन सॉल्व करना इज कंप्लीटली डिफरेंट हम 10 घंटे भी पढ़ लें तो आप उसको जस्टिस नहीं कर रहे जब तक जो आप पढ़ते गए आपने उसके क्वेश्चन नहीं लगाए इसीलिए किसी भी चीज के क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है जब तक आपने किसी चीज के क्वेश्चन नहीं लगाए बेटा वो टॉपिक आपको नहीं आया फिर से सुनो पढ़ना एक चीज और अप्लाई करना एक चीज इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है डाउट्स पूछने हैं अपने टीचर से और उसके बाद बढ़िया से सो जाना है नींद लेनी भी जरूरी है क्योंकि वो आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है किसको रिलैक्स करता है वो आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है बेटा इसके साथ आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्रेस द बेल आइकॉन लुक एट आर विडियो लर्न समथिंग न्यू फॉलो इट फॉलो इट एंड शेयर इट सो so दट हम नीटेक्स की जो हमारी फैमिली है उसको और बड़ा कर सके थैंक यू सो मच एवरी वन आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू